हाँ जी नमस्कार। इस बीच में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि नाम से विदित है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हमें जाना पड़ेगा हिंदी क्या है। इसके बाद हम साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम रुख करेंगे इतिहास की ओर। लेकिन इससे पहले आने वाले 40-50 दिनों तक हम तीन तीन चार चार घंटे हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। यहाँ ये बताया जाना बेहद आवश्यक है कि लगभग हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके 700 से ज़्यादा पेजेज लिखवाए जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा 700 के लगभग, जिसमें से डॉट 150 पेज तो आदिकाल के हैं। 150, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर 700 पेज आपको लिखवाए जाएंगे पढ़ाए जाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितनी गहराई से, कितनी गंभीरता के साथ, प्रामाणिकता के साथ और तार्किकता के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। मैं इतना आपको 100% आश्वासित करना चाहूँगा, 100% कि हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पढ़ने के पश्चात आप किसी भी एग्जाम की तैयारी या उसका पेपर आसानी से दे सकते कर सकते हैं। यहाँ हम बात करना चाहूँगा कॉलेज लेक्चर से लेकर जहाँ तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, डी एस 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 बी और अन्य जहाँ भी टीचिंग लाइन में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, चाहे आप यूजीसी नेट की बात करो, किसी की भी बात कर लीजिए, जेआरएफ तक की बात कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि यदि 700 पेजेज में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और न केवल पढ़ाया जाएगा अपितु पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, जहाँ मुझे आवश्यकता होगी मैं ट्रिक्स का भी सहारा लूंगा, ताकि लंबे चौड़े ग्रंथ आपको याद नहीं होते हैं, और उस दिशा में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बेहतर काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये तो बात रही हिंदी साहित्य का इतिहास कितना व्यापक, विस्तृत, लंबा और चौड़ा आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि सबसे पहले जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक ब्लैक पेन का प्रयोग करो, व्हाइट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। आप ये लाल, काले, हरे, पीले, धोले पेनों का प्रयोग करके ये अनावश्यक रूप से अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं आप। एक ही पेन होना चाहिए आपके हाथ में, वो भी ब्लैक पेन, और ब्लैक में भी मोटा वाला ब्लैक पेन हो आपके पास, व्हाइट रजिस्टर हो। तो यदि आप आज के बाद में 2 साल 3 साल 4 5 साल बाद में यदि आपके कोई भी रिश्तेदार, भाई भतीजे, जो भी है, अगर इसकी फोटोकॉपी कराने चाहे तो वो फोटोकॉपी ऐसी कैसी आ सकती है। आप लाल पेन का प्रयोग करते तो आपको पता है लाइट हो जाती है, ग्रीन का प्रयोग करते तो लाइट हो जाती है, और फिर वो आपकी एनर्जी अनावश्यक रूप से वेस्ट हो जाती है। जैसे मैं लिखा रहा हूँ विद्यापति, तो विद्यापति तो आप हरे पेन से लिखते, फिर मैं लिखाता हूँ विद्यापति की रचनाएं तो लाल पेन लिखते आप, तो आपका भेजा तो कहाँ डाइवर्ट हो रहा, बताइए, पेन की तरफ जा रहा। अब कई बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ कि साहब ऐसा क्यों करते, बोले जल्दी याद हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते फिर तो मार्कर का प्रयोग करो, फिर तो जल्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये पेनों का प्रयोग मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आप ब्लैक पेन लेके आएगा और ऐसे नोट्स बनाएगा कि आप ये समझे लाइफ में कि मुझे अब इनके अलावा कहीं भी कहीं से भी हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैं तरीका बताता जाऊंगा, ये जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर आग्रह करना चाहूँगा कि दो और किताबें आप लेके आइए हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। दो किताबें, एक तो है राम कुमार वर्मा जी का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बहुत प्यारा दे रखा है, हालांकि वो अधूरा है हम मान सकते हैं, लेकिन जितना दे रखा है बहुत डिटेल से दे रखा है। तो नंबर एक तो लिखिएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938 में लिखा गया था। नंबर एक हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। नंबर दो, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे, ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, यूजीसी नेट का सेकंड और थर्ड पेपर भी आप पढ़ लीजिएगा, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, दूसरी किताब प्रतियोगिता साहित्य सीरीज यूजीसी नेट का सेकंड और थर्ड पेपर, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज यूजीसी नेट का सेकंड और थर्ड पेपर भी आप इसमें देख सकते हैं। ये प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की आती है किताब,
आप इसको भी देखिएगा, अपनी किताब सबके पास है सर्वोत्तम वाली, उसको पूरा का पूरा साहित्य को ट्रिक्स के माध्यम से हमने समेटने का काम किया है। ये दो किताबें मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो भी टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा 3 घंटे में, आप जाकर 3 घंटे के जो टॉपिक पढ़ाए गए उनको इन दोनों किताबों से घर जाकर पढ़ेंगे, और यदि कोई बात मेरे से छूट जाती है तो आप इसमें विशेष लगाकर इन्हीं नोट्सों में ऐड कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आने वाले 40-50 दिन में जब 3-3, 4-4 घंटे में लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बार बार या कहीं से भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बातें रही है आपके लेखन कार्य से संबंधित। अब शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए साथियों, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, मैं आपको पहले पूरी की पूरी भूमिका पढ़ाऊंगा यहां, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास, ये 3 अलग अलग शब्द है, अभी इन पर हम लोग नहीं आएंगे। पहले हमें जानना होगा कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी एक बार में कहाँ कहाँ कौन कौन से रास्ते पर कौन कौन से कालखंड है, कौन कौन से पड़ावों से होकर हम लास्ट तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, यानी उसका सारांश या निष्कर्ष एक बार आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हमें जाना पड़ेगा हिंदी पर। तो वैसे तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हमारे सिलेबस में अलग से एक टॉपिक लगाया गया है, लेकिन उस पर यहाँ अभी चर्चा नहीं करेंगे। बस हमें जानना होगा कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व अन्य के अनुसार कब से माना जाता है, 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी का मतलब आप समझ लीजिएगा 10वीं शताब्दी से हिंदी भाषा का उद्भव और विकास माना जाता है, राइट। प्रश्न ये उठता है कि क्या 10वीं शताब्दी से पहले हिंदी भाषा थी नहीं? हाँ, नहीं थी, ऐसा ही समझिएगा। 10वीं शताब्दी से लेकर आज चूंकि 2023 यानी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है हिंदी साहित्य का इतिहास, बल्कि अब आपको समझ में आना चाहिए 10वीं शताब्दी से हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ। इससे पहले और भी भाषाएं थी, हिंदी भाषा की शुरुआत तो 10वीं से मानी जाती है, इससे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जो भाषा आई वो कौन सी है, हिंदी। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही और प्रमाणिक क्रम क्या माना जाएगा, 10वीं शताब्दी, क्या माना जाएगा, ऐसा सभी विद्वान मानते हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब क्या 9वीं नहीं हो सकता है, 8वीं शताब्दी नहीं मान सकते, वो अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन सार्वभौमिक दृष्टि से 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक का जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य का क्या कहलाता है, इतिहास। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लगभग आज से लगभग हम कह सकते हैं 1000 वर्ष का हिंदी साहित्य का इतिहास है, क्योंकि अभी 2023 ही चल रही है, तो 1023 वर्ष का हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं 10वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर कहाँ तक चल रहा है, ये भी 21वीं, और 21वीं में क्या चल रहा है, 2023। तो 1023 वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से लेखक हुए, कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन से वाद हुए, कौन कौन से प्रतिवाद हुए, कौन कौन से कालखंड आए, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस आधार पर हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा व्यापक और विस्तृत नहीं है, अपितु 1000 वर्ष में हिंदी के कौन कौन से लेखक कवि कालखंड हुए उनको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। साथियों, वैसे तो अलग अलग लोगों ने इस 1000 वर्ष को, इस 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने का प्रयास किया है। जहाँ हम हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं, तो उन्होंने तो कह दिया कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके 15 कालखंड होने चाहिए, कहीं जगह 12 का उल्लेख मिलता है, कहीं जगह 11 का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 माने, और अलग अलग जिनका उल्लेख नहीं मिलता 15 भी मिलता, 12 भी मिलता है। रामकुमार वर्मा ने इसको 8 भागों में बांट दिया, लेकिन सार्वभौमिक दृष्टि से हम बात करें तो इस 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांट दिया, जिनमें हम बात करेंगे कहाँ, आदिकाल। पहला कालखंड है आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक मानी जाती है।
ठीक है, यहाँ एक बात और समझाना जरूरी है, विक्रम संवत और ईस्वी में क्या अंतर है, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मैं जगह जगह विक्रम संवत का उल्लेख करूंगा और ये 2004 के ग्रेड थर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि मान लीजिए आज 2004 ईस्वी चल रही है तो विक्रम संवत क्या होगा, जीके का प्रश्न है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। देखिएगा, आज 2023 ईस्वी चल रही है, राइट, और इसमें प्लस सत्तावन जोड़ने से जिसका निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कितनी चल रही है बोलिए, 2080 विक्रम संवत आज प्रगति पर है। तो विक्रम संवत ईस्वी संवत से कितने साल आगे चलती है, 57 साल एडवांस में चलती है, ये बताना जरूरी है। और इसकी शुरुआत विक्रमादित्य से मानी जाती है। ईस्वी संवत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ईसा मसीह के जन्म से। तो ईसा मसीह के जन्म को आज 2023 वर्ष हो गए हैं, तो 2023 ईस्वी चल रही है और विक्रमादित्य जो प्रतापी राजा था उनके जीवन काल को आज 2080 वर्ष हो गए। तो ईस्वी संवत, वापिस बोल रहा हूं, ईस्वी संवत से विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। तो इस आधार पर यदि हम कहें कि आदिकाल की जो समय सीमा है उसको आप देख लीजिएगा, इसमें से -57 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये विक्रम संवत में यदि आपको ईस्वी में लाना है तो 993 ईस्वी से 1300 क्या चल जाएगा, 18 ईस्वी, सही है, 993 से 1318 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका माना जाएगा, आदिकाल का। अब आपको ये जानना बेहद आवश्यक है कि साहब ये बात तो भी समझ में आ गई। और देखिएगा, आपने बताया था लगभग 1000 ईस्वी से और शुरुआत कहाँ से हो रही है, 993, तो भाषा के लिए और नदी के प्रवाह के लिए लगभग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली 1000 पर बदलेगी, हो सकता है 10-20 साल का उसमें गैप भी देख सकते हैं, लेकिन ये सही है कि 993 से लेकर 1318 ईस्वी का समय वो माना जाता है किसका, आदिकाल। अब प्रश्न उठता है कि आदिकाल को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण आदिकाल को हम लोग 6 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं या किया जा सकता है, और 6 कालखंडों में हम विभक्त करने के पीछे मकसद क्या है, ताकि इसको बहुत अच्छी तरह से और वैज्ञानिकता के साथ हम पढ़ सके। नंबर एक, यहाँ हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। अब सिद्धों के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी कि बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म कालांतर में किस प्रकार विकृत हो गया, और बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई, उन 2 शाखाओं में से एक शाखा से कौन से साहित्य का उद्भव और विकास माना जाता है, सिद्ध साहित्य का। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जब तक आपको ये पढ़ाया जा रहा है आप कोशिश कीजिएगा कि इसको पूरा का पूरा हम एग्जैक्टली याद करें, अन्यथा हिंदी साहित्य का इतिहास आपके समझ में नहीं आएगा। और यदि आपने पूर्व धारणा ये बना रखी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो जटिल है समझ में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे ना तो मैं यकीन दिलाता हूँ 90% क्लास से आप याद करके ही जाएंगे, ये पूर्णतः मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, कोशिश कीजिएगा। सिद्ध साहित्य के बाद यहाँ हम चर्चा करेंगे नाथ साहित्य के बाद में हम यहाँ बात करेंगे साथियों जैन साहित्य, जैन का दूसरा नाम क्या है, रास साहित्य, और इसके बाद में हम लोग यहाँ ये भी चर्चा करेंगे, नंबर 4 है रासो साहित्य की भी चर्चा करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ चर्चा करेंगे गद्य साहित्य, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे नंबर 6 पर पद्य साहित्य। ये लीजिएगा, यानी पूरे के पूरे कितने साल के कालखंड को, 325, राइट, सही बोल रहा हूँ मैं, लगभग 325 वर्ष के इस कालखंड को विद्वानों ने सर्वमान्य तौर पर आदिकाल नाम दिया। हालांकि इस पर भी चर्चा करेंगे, किसी ने इसको वीर गाथा काल का, किसी ने इसको बीजोपन काल का, किसी ने सिद्ध सामंत काल का, वो बाद की बातें, लेकिन यहाँ आदिकाल जो 325 वर्ष का कालखंड माना जाता है इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे किसका, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की भूमिका क्या, सिद्ध कहाँ से आए, नालंदा तक्षशिला तिब्बत से होते हुए कहाँ पधारे हैं, और सिद्धों की संख्या जो 84 है अपने नाम के पीछे क्या करते थे, सामाजिक जीवन में इनका क्या योगदान था, और प्रत्येक सिद्ध की यहाँ रचनाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार नाथों की संख्या 84 सिद्धों के
के समान ही कितनी मानी जाती है, नो नाथ माने जाते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ है या मत्स्येंद्र नाथ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से नाथ है, उनका सामाजिक जीवन में क्या क्या योगदान था, सबसे बड़ी कमजोरी इसकी क्या थी। तो सबसे बड़ी कमजोरी नाथ संप्रदाय की ये थी क्योंकि इन्होंने ग्रस्त जीवन का अपमान किया है। इन्होंने कहा कि नारी अगर साथ होगी ना तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, ग्रस्त जीवन का अनादर, यानी ग्रस्त होकर आप भक्ति में लीन नहीं हो सकते। ये कौन करें, नाथ साहित्य के अंदर गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ बहुत सारी कथाएं आपको लंबी लंबी सुनने को यहां मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य। जैन का दूसरा नाम क्या है, रास साहित्य। मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं जितना मेरा अनुभव है उसके बेस पर कि आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन साहित्य यानी 1050 से 1375 लगभग 325 वर्ष का जो कालखंड है, इसको विद्वानों ने अत्यधिक संघर्षों अत्यधिक व्याघ्यातों का युग कहा है। और आप ये समझिएगा कि यहाँ कोई भी तिथि कोई भी घटना एग्जैक्टली अभी तक लोगों के जहन में नहीं पहुंच पाई है, मतलब लगभग लगभग चलता है किसमें, आदिकाल में, क्योंकि कोई एग्जैक्टली पोजिशन यहाँ नहीं हो पाई है। यहाँ जैन साहित्य की हम बात करें तो जैन साहित्य को भी हम दो भागों में बांटेंगे। कुछ जैन तो थे जो 10वीं शताब्दी से पहले लिखे गए हैं, कुछ 10वीं शताब्दी के बाद यानी अपभ्रंश से युक्त और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त जैन साहित्यकार इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन मैं इतना बता देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि आदिकालीन साहित्य के 6 अलग अलग पाठ हमने किए जिसमें सर्वाधिक मान्य प्रमाणिक और वैज्ञानिक अगर साहित्य किसका रहा है तो वो किसका रहा है, जैन। देख लीजिएगा सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य जेएनयू का रहा है। प्रश्न उठता है कि आप किस बेस पे कह सकते हैं, इसके पीछे कारण ये कि जेएनयू ने किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं किया, किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं किया। अपनी रचनाओं का जो नायक बनाया इन्होंने वो जैन समाज के किसी महापुरुष को बना दिया, दूसरे महापुरुषों को इन्होंने शामिल ही नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आदिकाल है 325 वर्ष का जो कालखंड है उसमें जैन साहित्य सर्वाधिक वैज्ञानिक है और क्या है, प्रमाणिक है। क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की तिथि में किसी भी प्रकार का संदेह यहाँ देखने को नहीं मिलता। चलिएगा तो बहुत सारे जैन साहित्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। रासो साहित्य स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट कॉलेज लेक्चर के लिए। देखिएगा अलग अलग कॉलेज लेक्चर जहाँ UP की बात करते हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, रासो साहित्य को स्पेशल हमारे सिलेबस में लगाया गया है। और यहाँ रासो की प्रमाणिकता अर्ध प्रमाणिकता या अप्रमाणिकता के बारे में चर्चा की गई है। साथियों रासो ग्रंथों की संख्या कितनी है इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है पृथ्वीराज रासो बिशल देव रासो परमाद रासो कुमार रासो जितने भी रासो ग्रंथ हुए रासो साहित्य के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे। तो रासो में पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता क्या है, बिशल देव रासो श्रृंगारिक है या फिर वीर काव्य, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद गद्य साहित्य, अब ये तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए कि साहब आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, किस काल को, तो आधुनिक काल तो 19वीं शताब्दी के आसपास आएगा, 19 का मतलब आज से लगभग 100 साल पहले। फिर ये गद्य साहित्य यहाँ कैसे लिखा गया, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो यहाँ भी कुछ गद्य की रचनाएं मिलती है, जैसे अपन बात करते हैं वर्ण रत्नाकर, समझ में आ रहे, इसी प्रकार उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसी प्रकार और बहुत सारी रचनाएं जिनका अध्ययन हम यहाँ भी करेंगे। तो कई बार प्रश्न आता है निम्न में से आदिकालीन गद्य की रचना कौन सी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गद्य साहित्य चल रहा है। यहाँ पद्य साहित्य को हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लौकिक साहित्य भी कहकर संबोधित कर सकते हैं। पद्य साहित्य या इसका दूसरा नाम क्या है, लौकिक साहित्य। और इसका एक ही उद्देश्य था, क्या, जनता का मनोरंजन करवाना। जनता के मनोरंजन के लिए जो साहित्य लिखा गया वो पद्य साहित्य। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, देखिएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में चर्चा करेंगे, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। या हम बात करेंगे ढोला मारू रा दुआ, जी हाँ ढोला मारू रा दुआ का अध्ययन भी यहीं करेंगे। या विद्यापति का भी हम लोग अध्ययन करेंगे और भी बड़े बड़े विद्वानों का अध्ययन हम लोग यहाँ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इस साहित्य में विद्यापति, जिनके बारे में कहा जाता है कि विद्यापति श्रृंगार रस
या वीर रस या फिर भक्ति रस के कवि माने जाते हैं या रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं? तो विद्यापति की रचनाएं हर एंगल से यह महत्वपूर्ण, और विद्यापति का अध्ययन यह गंभीरता के साथ हम लोग करेंगे। ये था साथियों आपके 325 वर्ष का कालखंड, जिसका नाम क्या है, किसने नाम दिया था ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अन्यथा अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामकरण किए। यदि मैं आपको डिटेल से पढ़ाने लगूं, केवल व्याख्या ही करवाऊं इसकी, तो चार दिन भी कम पड़ जाए, इसलिए केवल मैं आपको रास्ता बता रहा हूं अभी, तो फिर वापस जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये आपने शुरुआत से पढ़ा है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कब से माना जाता है, 10वीं शताब्दी से। आज कौन सी चल रही है, 2023। लगभग 1000 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आचार्य शुक्ल व बड़े विद्वानों ने चार कालखंडों में विभक्त किया, जिसमें पहला कालखंड कौन सा है, आदिकाल, जो लगभग 325 साल का है। इस आदिकालीन साहित्य को हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 6 अलग अलग उपभागों में बांट सकते हैं, जो मैंने आपको बतला दिए। केवल इतना कहने से साहित्य पूरा नहीं हो रहा, बल्कि सिद्ध साहित्य में कम से कम 2 दिन लगेंगे, नात में 3 दिन लग सकते हैं, जैन में 1 दिन लगेगा, रासो साहित्य में 3 दिन लगेंगे, गद्य साहित्य में 1 घंटा लगेगा, पद्य साहित्य में 2-3 दिन लग सकते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, केवल तो बताया गया है कि इसमें यही आता है, क्योंकि हर एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिएगा, इसके बाद में इससे पहले प्रश्न उठता है कि साहब क्या आदिकाल से हम शुरुआत करेंगे? नहीं, आदिकाल से पहले भी हम जाएंगे, क्या कि विविध कालों का नामकरण, फिर इसके बाद हिंदी का प्रथम कवि, फिर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, फिर कौन कौन सी वहां प्रणालियां काम में ली गई, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइएगा हम लोग चर्चा करते हैं, नंबर 2 काल कौन सा है, भक्ति काल। अब भक्ति काल के अंतर्गत यहां सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी भूमिका, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसके उदय के कारण, भक्ति काल के उदय के कारण, और इसके बाद में भक्ति काल का वर्गीकरण यहां भी हम लोग जानेंगे। साथियों ये जानना जरूरी है, भूमिका का मतलब क्या है कि भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है। सबसे पहले श्वेता श्वेतर उपनिषद के 6:33 अध्याय में भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है, जहां हम बात करेंगे गीता की, जहां बात करेंगे पुराणों की, जहां बात करेंगे उपनिषद में भी भक्ति का उल्लेख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। यहां हम बात करेंगे इसके उदय के कारण, इंपॉर्टेंट बात है ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भक्ति कालीन साहित्य के उदय के कारण क्या रहे हैं, यानी आदिकाल के बाद रीतिकाल क्यों नहीं आया, आदिकाल के बाद आधुनिक काल क्यों नहीं आया, जबकि आदिकाल समाप्त होते दूसरा कालखंड भक्ति काल ही क्यों आया है। तो सब लोग अपने अपने मत देते हैं, किसी का क्या मानना है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण, कुछ लोग और कारण मानते हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण रीजन है जिसमें आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। ये मुकाबला लास्ट तक चलता रहेगा, एक पार्टी है आचार्य शुक्ल जी की और दूसरी पार्टी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के सार्थक प्रतिद्वंदी है। सार्थक प्रतिद्वंदी का मतलब गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि आचार्य शुक्ल जी की जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी तर्क है, जितनी भी अवधारणाएं हैं, अगर उसको सही मायनों में तथ्यों के साथ, प्रमाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ खंडन किया, तो वो शख्सियत कौन थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बनाम आचार्य शुक्ल लास्ट तक देखेंगे, ये 2 धाराएं हिंदी साहित्य के इतिहास में देखने को मिलती है। चलेगा, तो उदय के क्या कारण है, आदिकाल के बाद भक्ति काल ही क्यों आया, रीतिकाल क्यों नहीं आया, तो 2 व्यक्तियों के मत जानना जरूरी है। इसमें एक मत तो है आचार्य किनका, शुक्ल जी का, और एक मत किसका है, H.P. द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है, ये शुक्ल जी का मत है। अब आचार्य शुक्ल जी का मत पहले जानना जरूरी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या मत दिया है कि भक्ति काल के उदय किस प्रकार हुआ है। हालांकि सार्वमान्य मत तो किनका होगा बोलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा, वैसे अभी मैं चित्रात्मक शैली से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा तो पढ़ा देता हूं। ये हमारा भारत महान है, कल्पना कीजिएगा हमारा भारत क्या है, महान है। मैंने ऐसे ढंग से नहीं बनाया और बनाना भी नहीं चाहता, नहीं तो फिर आप ऐसे कहेंगे साहब ड्राइंग भी आपसे पढ़े हम, तो उन ड्राइंग वाले टीचर के बाल बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं ढंग से चित्र भी नहीं बनाना चाह रहा, देखिएगा। लेकिन आपको समझाने के हिसाब से बता सकता हूं, ये क्या है साथियों, उत्तर है
ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? पूर्व। ठीक है, समझ में आ रही है यहां तक? तो शुक्ल जी का मत समझिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यहां बहुत गजब की बात कही है। देखिएगा, इन्होंने कहा कि मुगलों के आक्रमण के कारण, पहले समझना पड़ेगा आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है कि मुगलों के आक्रमण के कारण, जब मुगलों ने भारत पर क्या किया, समझो हर बात को, मुगलों ने भारत पर क्या किया, तो मुगलों ने भारत पर आक्रमण कहां किया? पहली बार यहां किया, दिल्ली में। कहां किया, किसने किया? बाबर ने। कब किया? 1526 में। 1526 में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। यानी इनका क्या कहा था इन्होंने, देखिएगा, मुगलों के आक्रमण के कारण, तो मुगलों ने पहली बार आक्रमण कहां किया? दिल्ली में। मुगलों के आक्रमण के कारण हिंदू जनजाति त्रस्त और परेशान हो गई। मुगलों ने आक्रमण कर दिया, इसके कारण जितने भी हिंदू लोग थे वो त्रस्त और परेशान हो गए, और उनके पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई चारा ही शेष नहीं बचा। इसलिए सब लोग कहां चले गए? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जहां भी जाना था अपने अपने आस्था के केंद्रों में वो लोग चले गए। ये बात आंशिक रूप से तो सही भी है, सही है। अगर हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की विपत्ति, परेशानी आती है, आक्रमण होता है, तो किसको याद करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं ना। तो ऐसे तो विचार तो सही है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इसको लोगों ने दूसरे रूप से ले लिया। देखिएगा, इन्होंने कहा मुगलों के आक्रमण के कारण हिंदू जनजाति त्रस्त और परेशान हो गई, इस कारण भक्ति काल का उदय हो गया। सीधी सीधी बात है। तो मुगलों ने तो आक्रमण पहली बार कहां किया था, बोलिए? दिल्ली। कहां है? उत्तर भारत में। दिल्ली में आक्रमण किया, तो भक्ति का उदय, ध्यान दीजिएगा, तो भक्ति का उदय यही होना चाहिए ना भाई, इसके आसपास के लोग भगने चाहिए थे मंदिरों की ओर तो। लेकिन 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 डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ी उपजे, भक्ति का उदय दक्षिण में हुए और लाए रामानंद, और उत्तर भारत में इसको भक्ति को लाने वाले कौन है? रामानंद है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, भाई क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मामला ये? आप तो कह रहे हैं कि भक्त मुगलों के आक्रमण के कारण हिंदू लोग परेशान हो गए, तो परेशान होते तो यहीं के लोग होते ना, ये कौन सा अलंकार हो रहा? तो ये तो अलग ही अलंकार हो रहा है, समझ में आ रहे? कारण यहां हो रहा, कार्य वहां, और ये तो असंगति अलंकार हो रहा है, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा कि भक्ति का उदय तो दक्षिण में हुआ है और उसको लाने वाले कौन है? रामानंद। कहां? उत्तर भारत में। और सही भी है, क्योंकि सर्वप्रथम भक्ति का उदय पंढरपुर महाराष्ट्र में, पंढरपुर महाराष्ट्र जो दक्षिण में पड़ता है, यहां संत नामदेव, ज्ञान देव के द्वारा पहली बार भारत के अंतर्गत भक्ति का उदय हुआ। और आपके अंदर क्या आस्था हो सकती है, क्या विश्वास हो सकता है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि वास्तव में यदि आप भगवान के प्रति आस्तिक हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो साउथ में चले जाइए, साउथ में जाइए, सुबह सुबह मंदिर में वो क्या नाम, अपनी दुकान खोलते हैं ना, तो भगवान के दर्शन करके आते हैं। दोपहर को जब लंच होता है तो भगवान के दर्शन, शाम को भी भगवान के दर्शन, उनके अंदर आस्था। और यही कारण है कि साउथ के जितने भी मंदिर है ना, वहां वहां वीआईपी पास बनते हैं, एक जिसको जल्दी करना, लाइन लगी रहती है वीआईपी पास। आप तिरुपति बालाजी के चले जाइए आंध्र प्रदेश में, और भी उधर चले जाइए, मीनाक्षी टेम्पल में चले जाएगा, जितने भी जगह है ना, सबसे ज्यादा भक्ति भावना तो दक्षिण में ही है। अगर आप विचार करें तो वहां दोनों तीनों टाइम में लोग भगवान को पूछते हैं। आप ये कहें कि साहब हम भक्तिवान है, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है आपकी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भक्ति का उदय तो दक्षिण में हुआ, तो फिर आचार्य शुक्ल जी का क्या ये मत सही है? नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आंशिक रूप से जो मैंने तो बोल दिया सो बोल दिया। अब आचार्य प्रसाद द्विवेदी मैदान में उतर पड़े। इन्होंने कहा कि मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं, कैसे फिर दो बार, मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम भारत में नहीं भी आता, यानी मुगल भारत में नहीं भी आते, तो भी भक्ति का 12 आना, डेट मीन 75%, बाहर आना नहीं, 12 आना, 75% वैसा होता जैसा आज है। इसलिए इसको आप मुगलों से
इसे आप इस्लाम के आक्रमण से मत जोड़िए, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, ये एक स्वाभाविक क्या है प्रक्रिया है और इसका संबंध न तो मुगलों से न किसी प्रकार के इस्लाम से। ये भक्ति के उदय का कारण मानते कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए भक्ति काल के वर्गीकरण की यदि हम बात करें साथियों, तो भक्ति काल के वर्गीकरण को लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, नहीं तो आज की क्लास इसमें कंप्लीट हो जाएगी। यहां निर्गुण निर्गुण और हम बात करेंगे कौन सी सगुण काव्य धारा, सबको आती है लेकिन कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा भी इसमें बताऊंगा। निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है आपकी कौन सी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की यदि हम बात करें साथियों, तो निर्गुण काव्य धारा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। हम बात करें रामकुमार वर्मा के अनुसार अलग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग नाम दिया, शुक्ल जी ने इसे अलग नाम दिया, लेकिन जो सर्वमान्य नाम है वो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कौन सा, ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी काव्य धारा और दूसरी कौन सी है प्रेम मार्गी। ये दोनों नाम किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए और रामकुमार वर्मा जी ने ये नाम दिए हैं, जिसका नाम रखा है संत काव्य धारा और कौन सा सोपी काव्य धारा। ये रामकुमार वर्मा जी के नामकरण है। निर्गुण साहित्य को दो भागों में इन्होंने बांट दिया है। आइए हम बात करते हैं किसकी, सगुण साहित्य की। तो सगुण साहित्य के अंतर्गत भी यदि हम चर्चा करें साथियों, तो एक राम काव्य धारा है और दूसरी कौन सी है बताइए, कृष्ण काव्य धारा है। राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य को भी आगे चलकर दो भागों में बांट दिया, मर्यादा राम काव्य धारा, मर्यादा राम काव्य धारा और रसिक राम काव्य धारा, रसिक राम काव्य धारा। इधर कृष्ण काव्य को भी दो भागों में बांट दिया, लोक रक्षक और दूसरे हैं लोक रंजक कृष्ण। ठीक है, अब आइएगा वापिस वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग यहां और चर्चा करना चाहेंगे, ज्ञान मार्गीय संत काव्य धारा के अंतर्गत कौन आएंगे, कबीर आएंगे, मुख्य प्रवर्तक। इधर कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। इधर अगर राम काव्य धारा की संयुक्त बात करें तो कौन, तुलसीदास। इधर कौन आपके, सूरदास जी। अब प्रश्न उठता मर्यादा के बता दो, तो मर्यादा के तो हैं तुलसीदास और रसिक के हैं अग्रदास। ये 2011 के ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था, रसिक राम काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, अग्रदास। आप जानते नहीं लेकिन अभी बताया जाएगा। इसी प्रकार लोक रक्षक रूप में कृष्ण कौन से थे, यदा यदा ही धर्मस्य, जो जिन्होंने गीता में उपदेश दिया, यानी श्री कृष्ण का बड़ा रूप, श्री कृष्ण का बड़ा रूप लोक रक्षक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो केवल और केवल उनका कौन सा रूप है, बाल रूप। कौन सा है, जिसको हम लोक रंजक नाम देंगे। लोक रंजक का मतलब मनोरंजन कराने के उद्देश्य से श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे उसका वर्णन यहां किया गया है। अब आइएगा ये मामला क्या है, भक्ति का उदय तो हो गया और भक्ति का उदय होने के बाद ये भगवान यहां विराज गए। ठीक है, अब मैं यहां दो बातें बताऊंगा, बीच में खड़ा हो जाता हूं, इधर को संत कहकर पुकारूंगा, ये भक्त और भक्ति ने है। समझ में आ रही है, ये परम पिता परमेश्वर है। परम पिता ईश्वर क्या है, एक ही है ईश्वर तो। अब आप देखो ये संस्थान तो एक ही है ना, अब कोई इस गली से, कोई इस गली से, कोई यहां से, कोई उधर से, कोई राजस्थान से, कोई राजस्थान के बाहर से, अलग अलग जगह से सब लोग आए ना, जबकि एक ही है ना ईश्वर तो। तो हकीकत में भगवान तो एक ही है, उसकी साधना करने के अलग अलग माध्यम और रास्ते हो सकते हैं, जिसको जैसा आसान लगे वो उसी रास्ते को क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी जो रास्ते बदलते रहते हैं, उनको लगता है कि ये थोड़ा सा इधर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बहुत शॉर्टकट चलते हैं, कोशिश करते हैं, तो जिसकी जैसी श्रद्धा भावना वैसे परमात्मा के पास वो पहुंचने, उसकी भक्ति करने की वो सोचता है। ईश्वर एक है, अब प्रश्न उठता है कि जब एक ईश्वर था, एक ही परमात्मा है, तो फिर ये संत काव्य, सूपी काव्य, राम कृष्ण, ये क्या मामला है? तो ये तो मामला तो बहुत व्यापक लंबा चौड़ा है। इधर संत इसलिए कह रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, संत और भक्त में अंतर है। जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो संत होते हैं। एक लाइन बोल देता हूँ,
जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो कौन होते हैं? संत। और जो सगुण की उपासना करते हैं वो कौन कहलाते हैं? भक्त। कवि तुलसीदास जी थे, और संत कवि कौन है? कबीरदास है। तो भक्त और संत में मैं लिखाऊंगा, आप कुछ भी मत लिखिएगा, अभी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, सब चीज़ें लिखवाई जाएगी। ये तो बहुत शॉर्ट है, जिसको अपन बोलते हैं फिल्म का ट्रायल है ये, तो बस ये समझिएगा, कुछ भी नहीं है ये, तो आपका हम कह सकते हैं 100 में से 1% भी नहीं है। केवल अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आगे चलकर कहाँ कहाँ हम लोग चलेंगे। तो ये मेरा मतलब ये है कि इधर संत कौन होते हैं? निर्गुण के उपासक संत होते हैं, और सगुण की उपासना करने वाले कौन होते हैं? भक्त। इसलिए मैं संत और भक्त कुछ समय के लेकर को लेकर आपको संबोधित करूंगा। अब हाँ, प्रश्न उठता है कि जब भगवान एक ही थे तो साहब इतने भगवानों की क्या आवश्यकता होगी? यही मामला आपको बता देता हूं। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, परिवार में दादाजी थे, एक ही थे ना। अब आप सोचते हैं कि अलग अलग क्यों हो गए, सभी एक जगह ही रहते, तो क्या एक जगह राजस्थान में कहते हैं खटा जाते हैं क्या? आप बताओ, दादाजी के 5 पुत्र हो गए, 5 के फिर 3-3 और हो गए, बहुए हैं, बेटे हैं, पोते हैं, पोतियाँ, क्या उस दादाजी के परिवार में खटा जाते क्या? वो नहीं खटा पाते। क्यों? बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होने लग जाती है। इसलिए समाज में ऐसा नियम बनाया गया, क्या कि एक लंबे टाइम के बाद जब तक चल रहा है चल जाती है, नहीं चलने के बाद सब क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये बात है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे हैं भगवान के प्रति आप? भगवान की परंपरा भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे हिंदू धर्म में पारिवारिक परंपराएं हैं, ठीक है। यहाँ वैसे आपको वास्तव में संति बनना है जीवन में, तो एक लंबा चौड़ा प्रवचन की आवश्यकता है। बिल्कुल एकदम लंबे लंबे श्वास लो, शांत मुद्रा में बैठेगा आप। और भक्ति बनना है तो आज उबासों के लिए कोई भी अवकाश क्लास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत और भक्त कभी उबासे और उनका मन शांत रहता, परमात्मा की ओर वो तल्लीन रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं वास्तव में, अगर आप भक्ति को पढ़ना चाहते हैं तो देखिएगा यहाँ, ये तो बात की बात है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सातियों विष्णु जी के पास। किन के पास? विष्णु के पास। दुनिया के सबसे बड़े देव है ना, वो विष्णु ही है। सबसे सुंदर पुरुष है ना, वो कौन हुए? विष्णु भगवान ही हुए हैं। और ये मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिएगा, विष्णु से बनी है, विष्णु से जो भक्ति बनी वो बन गई वैष्णव भक्ति। विष्णु में अप्रत्यय लगने से वैष्णव बन जाता है। आज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले की बातें कर रहा हूं मैं। और प्रश्न उठता है कि बहुत पहले, कितने साल पहले? 1017 से 1127, आज से लगभग 1000 ईयर बिफोर, 1000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं। यहां एक बहुत बड़े विद्वान पैदा हुए जिनका नाम था रामानुजाचार्य। ऐसे पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आज पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ, रामानुजाचार्य, ठीक है। 1017 से 1127 जिनका वक्त माना जाता है रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। कौन? इसका मतलब है रामानुजाचार्य ने इस वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार किया। आज से 1000 वर्ष पहले तक लोग केवल विष्णु ही सब कुछ मानते थे। अपन कहते हैं हे राम, हे कृष्ण। अब आजकल और हो गए शॉर्ट, नीचे जाने लगे तेजा जी, भौम्या जी, बालाजी, रामदेव जी, जुजार जी, अलग अलग हो गए, क्योंकि इनका दायरा बढ़ गया यार। कितने लोगों की तरफ देखे, राम भी कृष्ण भी तो छोटे छोटे, फिर अपने हिसाब से लोग देख लेते हैं, और देखना भी चाहिए, वही बात है। तो विष्णु की भक्ति आज से 1017 से 1127, समझने की कोशिश करो, लगभग 1000 वर्ष पहले रामानुजाचार्य जी ने वैष्णव भक्ति का क्या क्या प्रचार प्रसार किया, उनके प्रवर्तक या प्रतिनिधि हुए। अब क्या हुआ, सब लोग विष्णु को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन 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 फिर मैंने कहा ना, भगवान तो एक ही हो गए, और पॉपुलेशन डिवाइड है, आजकल तो चीन को पीछे छोड़ गए, अब इतने पॉपुलेशन को भगवान किस किस की सुनेगा रे? तो भगवान ने अलग अलग पावर दे दी कि तू भी ले, तू भी भगवान है, दे देते हैं ना, जैसे प्रिंसिपल अलग अलग पावर देता है कि तू ये विभाग, तू ये विभाग, उससे क्या होता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक हो जाता है। यहाँ इन्होंने भी क्या किया, विष्णु भगवान ने कहा कि अब मेरे से पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोझ बढ़ता जा रहा है धरती पर, वो बहुत पापी भी पैदा हो रहे हैं, तो मैं इसको झेल नहीं पाऊंगा।
उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई होगी किसने, विष्णु भगवान ने, और उन्होंने कहा कि अब मैं 24 रूपों में धरती पर अवतार लेने वाला हूं। मेरे कितने रूप हो गए? 24 ब्रांचेज हो गई। किसकी? विष्णु भगवान की। हंसी मत, बताने का तरीका ये, भगवान विष्णु के 24 क्या हो गए? अवतार हो गए। 24 अवतारों में से देखिएगा, एक अवतार राम जी भी है, एक अवतार कौन है? कृष्ण भी है, एक अवतार डिग्गी कल्याण जी भी है, एक अवतार हमारे जोधपुरिया के देव धाम देवनारायण भगवान जी भी है, एक अवतार खाटू श्याम जी भी है, और भी होंगे, परशुराम जी भी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हुए हैं, राइट? और मुझे जानकारी है नहीं, जितनी समझ और जानकारी मैं हिंदी साहित्य के हिसाब से रख सकता हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये विष्णु के 24 अवतार हो गए। अब धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, दादाजी को बोलने लगे, क्योंकि अब सत्ता किसके पास आ गई? पापा जी के पास, क्योंकि सास भी कभी, यार बहुत ज्ञानी हो तुम लोग, कहीं पढ़ रखा है कि तो मैं आगे बढ़ जाऊं, भक्त रीतिकाल चलूं क्या? इतना जटिलतम कहां पढ़ रखा आपने? गदगद हो गए ऐसी क्लास को देखकर, तो जो बताओ सब इतने जटिलतम आंसर दे रही है। सही बात है ना? तो अब सता दादाजी से कहां आ रही है? अपने बेटों के पास आ रही है। और फिर धीरे धीरे लोग, हकीकत है कई परिवारों में, वैसे तो ऐसा नहीं है, समाज अपना बहुत इज्जत करते, दादाजी तो दादाजी होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आजकल के कबूतर वबूतर जो बोल सकते हैं अपन, कि उनको कोई मतलब नहीं, फादर से मदर से कोई मतलब नहीं है। तो अब सत्ता धीरे धीरे पिसल गई। आप देखो ज्ञान की बात, तो लोग है ना विष्णु जी को बोलने लगे, और आप लोग क्या, अच्छा आपको पता था क्या विष्णु जी थे पहले? आप अपनी बात बताओ ना, नहीं पता था ना, आप तो कहाँ आ रहे थे डायरेक्ट बताओ, राम जी पे आ रहे। तो आजकल की जनरेशन को क्या पता, ये तो हमें पता है क्योंकि हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, ठीक है? तो विष्णु के कितने अवतार हो गए बोलिए? 24 में से एक कौन हुए? राम, एक कृष्ण, एक परशुराम, एक डिग्गी कल्याण जी, एक देवनारायण भगवान, एक काटो श्याम जी, समी देवी देवता हो गए। अब यहाँ लोग क्या करने लगे कि अब विष्णु, देखो राम ही विष्णु के अवतार है, राम जी ही विष्णु के क्या है, तो राम जी की भक्ति कर लो, इधर कृष्ण ही विष्णु के क्या है, अवतार। ये तो बात रही भक्ति की बात। अब ईश्वर तो एक ही है ना, एक ईश्वर है, उसके अलग अलग रूप हो गए। निर्गुण काव्य धारा के लोग ये कहते हैं ईश्वर है। देखो कई बच्चे ये कहते हैं कि साहब निर्गुण का मतलब ईश्वर नहीं होते। नहीं, ईश्वर तो है, लेकिन कहां? इस बोर्ड के पीछे। अगर मैं, देखो ज्ञान की बात बता रहा हूं, मैं इस बोर्ड के पीछे होकर कुछ भी नहीं दिखे और मैं केवल आपसे बोलता रहूं, वो भी तो ईश्वरी है। एक ईश्वरी यह भी है जो आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका रूप होता है। और इधर निर्गुण के लोग क्या करें, पहुप पासते पातरा ऐसा रूप स्वरूप, यानी जिसकी जिसकी खुशबू किससे, पहुप पुष्प की खुशबू से भी क्या होती है, बहुत हल्की होती है, जिसका कोई रूप स्वरूप नहीं होता वो क्या होता है, निर्गुण होता है। क्या होता है वो? निर्गुण। तो कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर तो है लेकिन उसका कोई भी रूप नहीं होता, और ऐसे ही भगवान को मानो तो ईश्वर मिलता है। फिर देखो ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, फिर ही आगे चलकर दो भागों में बढ़ गई कि आप यदि ज्ञानी हैं, आप अपने ज्ञान मार्ग से भी, ध्यान दीजिएगा, अपने ज्ञान मार्ग से भी, अपने आचरण के माध्यम से भी कहां तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का भी कोई रूप नहीं होता। और संत कबीर इसके प्रवर्तक है, सबकी बातें ट्रिक से पढ़ाऊंगा। कबीर है, यहां हम बात करेंगे नामदेव है, सदना है, और भी हमारे रैदास जी है, गुरु नानक देव है, जम्बो जी है, बहुत सारे यहां संतों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और कबीर दास जी ने तो बिल्कुल सही कहा है कि ये सामाजिक अंधकार है, आप यहां सगुण पे जाओ ही मतो, निर्गुण भक्ति सब कुछ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पार ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं तो क्या पूज सकता हूँ, पहाड़ पूज सकता हूँ, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, उससे तो चक्की भी अच्छी होती है, जिससे संसार क्या कर सकता है, पीस कर खाता है। तो मत जाओ यार कहाँ, वहाँ पूजने के लिए, बस इधर उधर ये आडंबर है। और बिल्कुल सही, उन्होंने तो केवल एक धर्म की बात नहीं कही है,
सभी धर्मों को लपेटने का काम किया, सदमार्ग पर पहुंचाने का काम किया। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अरे इन दोहुन राह न पाए, अरे इन दोहुन हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही अच्छा रास्ता नहीं पाया। हिंदू करे अपनी बड़ाई, गागर छुवन दे वेश्या के पावन तरसोवे, ये देखो हिंदू आई। एक तरफ तो कहते हैं कि तू नीचा है, मेरे मटके को मत छू, और दूसरी तरफ कहाँ सोते, ये देखो हिंदू आई। हिंदू मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाए, मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु मुर्गा मुर्गी खाते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर घर करे सगाई, मौसी की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं और घर घर करे बढ़ाई। हिंदू की हिंदुआई देखी और तुर्कन की तुर्काई, कहे शंकर सुनो भाई संतु कौन राह से जाए। तो अब आप देख लीजिएगा कौन से रास्ते पर आपको जाना है, दोनों ही अच्छे रास्ते नहीं है और बिल्कुल किसी की नहीं रखी। कांकर बांकर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के लोग मस्जिद बना लेते हैं। ताचड़ मुल्ला बांग दे खुदा बेरा हुआ, ईश्वर बेरा थोड़ा होगा, ये कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी की जो भी बातें थी वो एकदम सही है, क्या जरूरत नहीं इसकी, जरूरत नहीं है। कर का मन का डाल दे मन का फिर, हाथ की माला को भी छाप दे, कर छापा तिलक कर माला छापे तिलक सरे ने एको काम, कभी भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। कितने ज्ञान की बात कहें और ज्ञान के माध्यम से भी कहां तक पहुंचा जा सकता है, ईश्वर। किसी ने कहा कि नहीं ज्ञान मार्ग से नहीं प्रेम होना चाहिए, प्रेम मार्ग से भी कहां तक पहुंचा जा सकता है, ईश्वर तक। लेकिन यहां स्पष्ट करना चाहूंगा ये वो प्रेम नहीं है जो आजकल हम देखते हैं, देहिक प्रेम नहीं, अट्रैक्शन है। वो तो क्या है बोलो, अट्रैक्शन। और यहां देखो एक प्रेम में इसमें भी अंतर बताऊंगा। आचार्य शुक्ल जी ने प्रेम मार्ग कहा, रामकुमार वर्मा जी ने क्या कहा, सूपी है। तो मामला प्रेम का ही, प्रेम एक लाइन बता देता हूं, वह प्रेम जिसकी वजह से सबरी ने भगवान राम को जितने भी बेर थे वो छक छक के खिलाए कि कहीं मेरे प्रभु को खट्टे बेर न मिल जाए, सात्विक प्रेम। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था वो भी सात्विक था। ये सात्विक प्रेम की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता साहब इसमें इसमें अंतर बताओ, प्रेम मार्ग में और सूपी मार्ग में। ये भारतीय प्रेम है, प्रेम मार्ग की बात करें तो कौन सा प्रेम है, जहां प्रेम की रफ्तार बहुत स्लो होती है, या नायक और नायिका का मिलन मंदिर मस्जिद गिरजाघर उपवन में होता है, और यहां प्रेम की रफ्तार बहुत फास्ट चलती है। किसमें, सोपी में नायक और नायिका का मिलन सपने में होता है और सपने में काम हो जाता है। किसमें, सोपी प्रेम की बात है, ये बड़ा फास्ट चलता है, ये बड़ा क्या चलता है, स्लोली स्लोली चलता है। ये वास्तव में प्रेम है, कौन सा, वही प्रेम जो मैंने बताया राम और उसका, ये प्रेम नहीं है, ये रोमांस है। क्या, ये जिसे अंग्रेजी में अट्रैक्शन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किसी को देखा विपक्षी लिंग के प्रति थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न हुआ, अंकुरित हुआ और बोले प्रेम हो गया, ये अट्रैक्शन है। इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जो जैश प्रदेश के निवासी थे और इन्होंने इस काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया, केवल इन्हीं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जायसी है, कुतुबन है और भी अन्य के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। आइएगा, राम काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं आपको पूरी की पूरी ट्रिक से पढ़ाई जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, ये याद हो गया मान लो। देखो आप, मर्यादा राम काव्य धारा के प्रतिनिधि तुलसीदास जी, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो कैसे, राम भी दो भागों में बट गए नहीं, बांट दिए गए लोगों द्वारा। एक तो राम का उस रूप में चित्रण हो जो बहुत शिष्ट और मर्यादित हो, जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण सीता जी का जो चित्रण किया ना वो बेहद क्या है, मर्यादित है। नहीं क्या, आपको 10 उदाहरण में बता सकता हूं। जैसे मान लीजिएगा वहां जब भगवान राम और सीता जी के बीच में जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो वह ना वो आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाती है, कौन, सीता जी, देख भी नहीं पाई। कंकण की नग की परछाई आते सभी सुधी भूल गई, करटे की पलटारत नहीं, एक टक होकर वो उसको देखती रही लेकिन सीधी नहीं देख पाई, आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाई। और आजकल के हेलो दूर से 6 किलोमीटर पहले से, ये मर्यादित तोड़ा है। ये तो कौन सा है, रसिक है, कौन सा है, रसिक। पता ना आपको, जब उनको वनवास लगा मिला ना, वनवास मिलने के बाद, मैं एक इतना बात बताना चाहूंगा आपको एक ही लाइन में,
कि जीवन में यदि आप घबरा जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विपत्तियां आपके ऊपर हावी होने लग जाती है, बस एक बार प्लीज मेहरबानी करके रामचरितमानस में राम जी को पढ़ लीजिएगा, लगेगा तब जाकर हर हम एक सुबह का, दोपहर का, शाम को कोई भी नए व्यक्ति मिलता है तो राम राम सा, यही होता है ना। मतलब राम है ना एक राजकुमार थे, कब? बिफोर द वनवास। वनवास मिलने से पहले वो महज क्या थे? राजकुमार राम, श्री राम भी नहीं थे, राजकुमार राम। लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास मिला, कितने संकट आए, कितनी कठिनाई आए, कितनी परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हुई, तब जाकर वापिस जब अयोध्या लौटे आफ्टर द 14 ईयर्स, तब जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए, जबकि पहले तो क्या थे? राम थे। कितनी परिस्थितियों से लोगों का मुकाबला करने के बाद, तो ऐसे हर कोई राम से श्री राम नहीं बन जाता, वो सफर बहुत लंबा चौड़ा है। यहां तो राम जी के, हाँ, रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया ना, वो बहुत मर्यादित किया। देखो आप सीता जी का देख लो, जब वनवास मिला तो राम जी आगे आगे चल रहे थे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे थे, बीच में कौन थी? सीता जी थी। आज ऐसे और बोलते, दिख नहीं रही क्या आपको? दिख रही हो, दिख रही हो, आप आ जाओ, मैं थोड़ी सी जल्दी चल चलती हूँ। चलो भाई, और बता दे, मैंने दिख नहीं रही क्या? किस में चल रहा है? रसिकता आ गई आजकल, जबकि उस जमाने में कोई रसिकता नहीं थी। और देखो ना आप यार, इस घटना को क्यों भूल जाते हो आप? आज से लगभग हमारे जमाने की बातें कर रहा हूँ मैं। आप कोई भी जैसे नई बीनड़ी आती थी गाँव में, बहू आती थी ना, तो गाँव की बाहर ही उतारते थे उसको। हमारे जमाने की बात करें, मैं थोप नहीं रहा आपके ऊपर, और नहीं थोपना चाहिए, आज मत उतारना। आप ऐसे लगे कि वक्त बदल गया, क्यों उतरेगी बेचारी हो? लेकिन एक मैं कह रहा हूँ आपको, पहले वहाँ गांव से बाहर उतरती थी वो, पैदल पैदल गांव से आती थी, घर पे आती थी, फिर वक्त आपका जमाना आया तो घर के बाहर उतरने लग गई। आजकल जमाना आ रहा, गैरेज में गाड़ी घुसा वहीं उतरूंगी, ये क्या है? रसिकता है क्या ये? रसिकता, देखा ना आप? तो राम जी से जब, हाँ, जब सीता से पूछी ना गांव की स्त्रियों ने कि ये कौन लगता है, तो नाम नहीं लिया उसने, ये था क्या? अपने पति का नाम नहीं लेती, नहीं लिया उसने, इशारों इशारों में कह दिया कि मेरा वो लगता है, दिस इज माय गॉड, बस इतना बोल दिया, लेकिन नाम नहीं लिया। आजकल की तो पुकारती है, राकेश इधरा ना, ऐसा लगता है राकेश इसका कोई भतीजा है, बेटा है, बेटी है, पोता है। प्रश्न उठता है कि ऐसा अगर कर लेते तो क्या फर्क पड़ता, हम तो मॉडर्न है। मैं आपको उत्तर आधुनिकवाद पढ़ाऊंगा, किसमें? किसमें? कॉलेज व्याख्याता में, तब बताऊंगा, कोई मॉडर्न नहीं हो। ये पहन लेते हैं टपोरी टाइप की, पहनने से, इतने इतने पहनने से मॉडर्न नहीं हो जाते, समझ में आ गए? नहीं हो जाते। मॉडर्न होने का तरीका है आधुनिक, किससे होना चाहिए? माइंड से। अरे हम एक लड़की को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते, और हम अच्छे कपड़े, अच्छे जींस टी शर्ट, अच्छी गाड़ी, जयपुर में रहने से हम मॉडर्न समझने लग जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो कहूँगा कि आप आधुनिक से उत्तर में नहीं जा रहे, बल्कि अभी तो संत काव्यधारा में चलो, आप भक्ति काल में चलो, आप तो वास्तविकता मॉडर्न नहीं होता। कहाँ बताओ, विदेशों में देखा आपने संस्कृति को? देखा ना, एक कपल्स, लड़का और लड़की अनमेरिड घूमने के लिए आ जाते हैं, घर वाले उनको क्या करते हैं? परमिशन दे देते हैं, आ जाते हैं ना, यहाँ चले जाए तो उसी के पास रजनत हो तो दिखनी नहीं चाहिए मुझे। कहाँ मॉडर्न हम? आप कह रहे हो कि हम मॉडर्न हो चुके, कोई मॉडर्न नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ हम कहाँ हैं? भक्ति काल में। कहाँ है? भक्ति काल में। लेपने पोतने, अच्छे कपड़े पहनने से अगर कोई मॉडर्न हो जाए तो फिर इन पाश्चात्य देशों की आवश्यकता नहीं है, जो वहाँ जहाँ संस्कृति इतनी एडवांस है। नहीं, गलत बात है, निकाल दीजिए। अगर आपको किसी को ये गलत फहमी हो रही है कि मैं ऐसे कर देती हूँ तो ये हो जाता है, नहीं। देखो आप, मर्यादा कभी भी नाम नहीं लिए, मैं दोनों बातें बता रहा हूँ आपको, तुलनात्मक। राम जी का कभी भी नाम नहीं लिया किसने? बोलो, सीता जी। आजकल रसिकता के साथ बढ़िया नाम लेकर पुकारती है, जबकि आज से पहले हमारे घर में भी ए जी, ओ जी, सुनो जी, पप्पू के, पापा जी, यही तो होता था, यही होता था। तो मैं ये कहना चाहूँ, खूब पढ़ो, धाप के पढ़ो, अच्छी नौकरी लगो,
खूब बड़े कलेक्टर बनो लेकिन अपने संस्कारों को मत भूलिएगा। समझ में आ गए? ऐसे नहीं हो सकता है कि शंकर इधरा, वो शंभू के पापा जी बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो ये मर्यादित होना चाहिए, जबकि आजकल ये मर्यादित नहीं है। रसिक, दोनों में कुछ कुछ अंतर समझ में आया? तो राम जी में, रामचरित मानस में राम का जो वर्णन था वो क्या था? मर्यादित। रसिक राम काव्य धारा मानने वाले कौन है? अब आ जाओ, अग्रदास ने क्या कहा? अग्रदास जी ने, ध्यान दो, अग्रदास जी ने स्वयं को, खुद को जानकी, क्या जानकी कौन? जनक की पुत्री, राजा जनक की पुत्री अर्थात खुद को देखो पढ़ो, खुद को स्वयं को जानकी की सकी यानी दोस्त मानकर राम जी की क्या की? उपासना की। खुद को क्या माना? सीता की सकी, सहेली मानकर राम की उपासना की। तो इसका मतलब इनमें और इनमें तो कौन सा संबंध हो गया? जीजा और साली का। अब जीजा साली की भक्ति कैसी होती है बताने की आवश्यकता नहीं, अच्छी होती होगी। अब जिनके है अनुभव करो, नहीं है तो अनुभव कर लेना। लेकिन हंसो मत, तो गलत सोच रहे हैं आप, हंसी मजाक वहाँ चलती रहती है। किसके? जीजा में और साली की भक्ति में तो हंसी मजाक चलती रहती है, रसिकता चलती रहती है। इसलिए रसिक राम काव्य धारा में अग्रदास जी ने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर राम की उपासना की। अगर ये संबंध होगा तो अंडरस्टूड है, वहां थोड़ी बहुत तो हंसी मजाक होगी तो रसिकता तो होनी सी सौभाग्य बात है। ग्रेड फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया। कृष्ण काव्य धारा में हम बात कर सकते हैं। मैं इतना मानता हूं कि दुनिया में हर माँ, जहां अगर बात करते हैं किसकी, प्रेम की, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम की बात करते हैं तो हर माता पिता अपने बच्चे को कन्हैया कहकर पुकारते हैं, और ये ताकत श्री कृष्ण में है। समझ में आ रही है? जहां अगर युद्ध और विनाश की बात होती तो लोग श्री कृष्ण बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण के अलग अलग रूप है। जहां हम रसिकता की बात करते हैं, गोपियों की बात करते हैं, दुनिया का एकमात्र अगर परमात्मा है ना, जिन्होंने अपनी चमत्कारिता के बूते पर पूरे संसार को अपने वश में कर लिए, तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? श्री कृष्ण। देखो मैं आपको बताता हूं, ये आयुर्वेद है और ये कौन सी है? जो अपनी वाली जो लगाते ना अंग्रेजी दवाइयां, देते ही जुकाम ठीक हो गई। ये भगवान श्री कृष्ण चमत्कारिक थे, जहां भी लगा अपने पावर का प्रयोग करके लोगों को फटाफट बचा लेते थे। कौन? श्री कृष्ण। 16108 गोपियां थी, ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। 16108 गोपियों के कौन? श्री कृष्ण। फिर भी अधूरे थे, फिर भी प्रेम इनका पूरा नहीं हो पाया। 16108 गोपियां, स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि किसी के भेजे में कुछ गोबर टाइप का भरा हो तो उसको निकाल दो। 16108 गोपियों में 8 साल की भी गोपी थी और 60 साल की भी क्या थी? सबको गोपी कहते थे। एक बार क्या हुआ, अब प्रश्न उठता कि यह सभी से प्रेम करते थे क्या श्री कृष्ण? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, सभी से प्रेम करते थे, लेकिन उनका प्रेम एकदम शुद्ध, पवित्र और सात्विक था। प्रेम तो वो देहिक प्रेम तो एक से ही करते थे, सात्विक प्रेम पूरी दुनिया से। एक बार क्या हुआ, इमरजेंसी में सारी की सारी गोपियां ना, काफी गोपियां, रात के 10-11 बजे का टाइम था, रुक गई श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने कहा, भाई तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे भाई बहन, दोस्त पति लोग ढूंढने के लिए आएंगे, तुम जाओ घर पे। बोले, नहीं, हम आज घर नहीं जाएंगे, आज हम आपके पास रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, भाई क्यों? बोले, हम आपसे अथाह प्रेम करते हैं, जिसका कोई था ही नहीं। बोले, ये तो अच्छी बात है, पूरी दुनिया ही करती है, मुझे कौन प्रेम नहीं करता? नदी है, नाले है, उपवन है, बाग है, बगीचे है, मोर है, तितली है, तोता है, मेंढक है, सभी, पूरा का पूरा संसार मुझे प्रेम करता है, तो इसमें कोई गुनाह की बात थोड़ी है, बिल्कुल कीजिएगा। बोले, नहीं 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 नहीं, हम आपसे देख प्रेम करना चाहते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, यू कैन गो, आप यहाँ से जा सकते। ये श्री कृष्ण है जिनका प्रेम, और तभी जाकर ये क्या कहलाए? भगवान है। क्या? ये भगवान श्री कृष्ण है। तो अब प्रश्न ये उठता है, बहुत सारी बातें मैंने बता दी, सबकी रचना यहां रटवाई जाएगी। अब आप ये बता दीजिएगा मुझे कि इन दोनों में से, निर्गुण में से और सगुण भक्ति, दोनों में से कौन सी भक्ति अपेक्षाकृत इजी है और हम यूं कह सकते हैं सही है?
तो अब आप देखिएगा यहां लोग क्या करते हैं, ये सगुण भक्ति को इजी मान लेते हैं और वास्तविकता यह है कि निर्गुण भक्ति इतनी इजी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्गुण भक्ति में, मैंने अभी आपको शुरुआत में दिया था, इस बोर्ड के पीछे मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, वो निर्गुण भक्ति है। कोई इधर उबासी ले रही है, कोई खून लगा रही है, कोई मोबाइल चेक कर रही है, कोई क्या कर रहा है, निर्गुण भक्ति तो वो हो गई। क्योंकि निर्गुण भक्ति में व्यक्ति का चेता चित एक जगह नहीं रहता, किसमें? निर्गुण में। अरे अपन सुबह से बोलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कभी खेड़ापति का आता है, कभी बंदी के बालाजी हनुमान जी आ जाते हैं। और अगर हमारे सामने हो, अगर हमारे सामने हो, एग्जैक्टली सामने हो, तो हमारा ध्यान एक जगह रहता है। मैं आपको एक बात और स्पष्टता के साथ बताना चाह रहा हूँ, दोनों में अंतर, निर्गुण में और सगुण में, दोनों चीजें आप देखिएगा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको एकदम स्पष्टता के साथ समझाना चाह रहा हूँ। देखो निर्गुण भक्ति कौन सी, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बिफोर द 30 ईयर्स, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले क्या था देखिएगा, निर्गुण भक्ति में अपने परिवारजनों द्वारा सगाई उगाई कर दी जाती थी। कितने साल पहले? आज की बात नहीं कर रहा क्योंकि आज तो इसमें आगे सब समझ में आ गए। तो यहां 30 साल पहले की बात, निर्गुण और सगुण में अंतर बता रहा हूं, क्यों बेस्ट है ये। 30 साल पहले घर वाले कर देते भाई थारी चोरी और इसका छोरा, डन है, जब भी मोटियार होंगे। और मोटियार गया 2.5 साल का तो डोला था जिसकी शादी हो गई, ऐतिहासिक, मतलब ये कह सकते सबसे इतिहास का सबसे युवा दुल्हा था वो, राजकुमार ढोला, समझ में आ गए। तो यहां आप देखो 30 साल के पहले की बात बता रहा हूं, जब घर वालों द्वारा सगाई कर दी जाती थी, थोड़े से दोनों ही बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो लड़का वो लड़की आपस में ये देखते हैं कि मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा, कैसी होगा, कैसा होगा, कैसी होगा। उनका दिमाग डाइवर्ट था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो उसके दिमाग में करा जिसको भी वो देखती लड़की, भाई मेरा पति ऐसा हो सकता है, वो भी देखता मेरी पत्नी ऐसी हो सकती है, ऐसा चल रहा था। इसका मतलब उस टाइम उनके दिमाग में जो भक्ति चल रही थी वो कौन सी थी? निर्गुण। मौका मिला, घर वाले एक दिन जेमने के चले गए, दोनों जाकर मिल लिए, मिलते शाम को अगर बात होती है फोन पर तो उसका चेतावनी एक जगह रहता, हेलो, तो उसका ध्यान उसी के ऊपर जाता है क्योंकि उसका कौन सा रूप सामने आ चुका था? सगुण रूप। तो निर्गुण भक्ति में व्यक्ति का चित एक जगह स्थिर नहीं रहता, जबकि सगुण में व्यक्ति का चित एक जगह स्थिर रहता। इसलिए सगुण भक्ति को लोग आसानी से कर पाते हैं क्योंकि उसे किया जाना आसान रहता। चलिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा कालखंड कौन सा है, भक्ति काल। इससे पीछे एक माफी चाहूंगा, इससे पहले वापस आना पड़ेगा मुझे भक्ति काल की समय सीमा। ये भक्ति काल हम पढ़ रहे थे, इस भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700, ध्यान दीजिएगा कितने साल, 325 वर्ष। पहला कालखंड भी 325, दूसरा कालखंड भी 325 वर्ष का। और अब हम बात करेंगे नंबर तीसरा कालखंड जिसका नाम है रीति काल। जी हाँ, नंबर 3 पे लिखिएगा रीति काल, यहां मैं बता देना चाहूंगा। अब रीति काल की समय सीमा ये 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक का जो समय है वो किसका कहलाएगा, रीति काल का। रीति काल में अगर हम बात करें स्पेशल कॉलेज व्याख्याता के लिए तो 30 प्रश्न आते हैं, वहां सिलेबस ज्यादा है, हमारे यहाँ भी इस प्रश्नों की संख्या कम नहीं होगी। संपूर्ण रीति काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं, रीति बद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। अब यहाँ देखो, आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें पढ़ेंगे रीति काल को अलंकृत काल क्यों कहा जाता है, रीति काल के विविध नामकरण कौन कौन से, रीति काल की प्रथम रचना कौन सी है, रीति काल की अंतिम रचना कौन सी है, रीति काल के प्रवर्तक किसे माना जाना चाहिए। तो यहाँ इसको 3 भागों में बांट गया, रीति का मतलब नियमों में बंद कर, रीति में बंद कर, रीति से मुक्त होकर, और जिनको रीति की तो जानकारी थी लेकिन अपने ग्रंथों में इसका प्रयोग इन्होंने नहीं किया। रीति सिद्ध का रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रीति मुक्त में आ जाएंगे आपके घनानंद, घनानंद बोधा आलम ठाकुर, घनानंद बोधा आलम और ठाकुर, कुछ लोग द्विजदेव को भी यहां शामिल करते हैं, ये आगे की बात है। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, जानते हो कि घनानंद कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि घनानंद अपने आंसू से रोते थे, किराए के आंसू से,
मतलब इनके इनके अंदर देखो वियोग की टसक पीड़ा, वास्तव में प्रेम किया है तो घनानंद, घनानंद का जो प्रेम है वास्तव में एक प्रेम की पीड़ा है, ठसक है, अंदर से आने वाला प्रेम है। कुछ लोग ये कहते हैं घनानंद बनाम बिहारी, दोनों में क्या है? देखो आपको बताता हूं, ये चीजें आगे पढ़ूंगा मैं, घनानंद और रीति सिद्ध में कौन आ रहे हैं, अब दोनों चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो घनानंद वास्तु में वियोग श्रृंगार के कवि है, और ये आपको पता होना चाहिए। एक जो जो राज दरबार में वेश्या थी जिसका नाम क्या था, सुजान, जिसका नाम क्या था, ये सुजान के दीवानी थी, सुजान भी इनकी दीवानी थी, रंगरेज वो क्या नाम है इसकी दीवानी थी। अब घनानंद जब राज दरबार में थे, लोगों ने कह दिया राजा से कि बहुत अच्छा गाता है, मस्त आदमी है सर, कुछ न इनसे कुछ न कुछ तो गाना या कोई भजन या कोई जो भी है, एक बार इसको बुलाओ, ये गा सकता है। राजा ने कहा इधर आओ, चला गया वो। अब चला तो गए लेकिन राजा मेरे यहाँ खड़े यहाँ बैठे, और वो है ना बोले मैं सुना दूंगा सर, तो अपना मुंह तो किसकी तरफ कर लिया, अपनी प्रेमिका की तरफ, ऐसे किसकी तरफ, सुजान, और राजा की तरफ पीठ दे दी, समझ में आ गया। अब राजा ने कहा हटाओ इसको यहाँ से, मेरी तो इनकी बेइज्जती की इसको शर्म नहीं आती, निकालो यहाँ से। तो उसको निकालते समय उसने उसे कहा भाई बता चलेगी कि नहीं चलेगी, कौन जाऊँ, मना कर दिया, नट गई हो कौन, सुजान, बस वहीं से चालू हो गया। अगर वो मना नहीं करती ना तो शायद इतना हिंदी साहित्य का इतिहास आपको नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन वो एक मना करने की वजह से, मना करने की वजह से जो उसने किया ना, वो मजबूरी में मैं 2-3 घंटे बर्बाद करने का काम कर दिया। उसकी बेवफाई से तंग आकर सुजान ने अपनी रचनाओं कभी नहीं भूल पाए, लेकिन जिंदगी में इसको भूल ही नहीं पाए, समझ में आ गया। आगे चलकर निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण भक्त कवि हो गई, यही होता है लास्ट में, अगर मना करते तो भक्ति के अलावा वही बटाएंगे जटाएं बटाएं, वही बने अपने को बाबा जी, यही होता है ना कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ के बन गए निम्बार्क संप्रदाय में जाके कृष्ण भक्त कवि बन गए। कृष्ण को भी पुकारे तो भी कहे हे सुजान, तो वही निकल के आए कौन, तो कृष्ण को भी इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से किससे पुकारा बताओ, सुजान कहकर पुकारा, श्री कृष्ण को भी इन्होंने भूल नहीं पाए, ऐसे थे कौन, घनानंद। आप ऐसे मत करो, दुखी मत हो, चल जाएगा एक घनानंद का मामला, प्लीज कोई अपने आप से मत जोड़िएगा इस घटना को, ये तो घटना ही चलती रहती है, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे अभी, ऐसे मत करो, अच्छा थोड़ा लगता है। वो एक बाजी वाले का सुने कि आपने, वो वीडियो वायरल हो रहा था, वो बजा रहा था वो दिल तोड़ के हस्ती हो मेरा वो पाए, तो वो बजा रहा हंसू आ रहे उसके टले टले, बेचारे कहीं टूटा होगा किसी किसी दौर में, यहाँ चलता रहता है, हिंदी का ही मामला है, तो ये तो काल्पनिक बात है, दुख में तो परेशान मत हो, आप मुस्कराते रहो जैसे पहले मुस्करा रहे थे। बोधा गुटखा था, ये गुटखा खाने वाला नहीं, घनानंद का गुटखा किसको कहा जाता है, बोधा आलम, सारे के सारे एक हम कह सकते पूरे के पूरे आशिक थे। हंसते क्यों आप, रीतिकाल बराबर यही है, रीतिकाल यही है। आप देखो ये सुजान के साथ थे, ये शेख रंगरेजिन के साथ थे, शेख रंगरेजिन के साथ थे, बोधा की क्या थी, सुभान, ये सुभान के साथ था। आप गलत दिशा में जा रहे हैं, इनकी तोहिन कर रहे हैं। ये देखो मैं आपको बताता हूं, हम इनको वेश्या कहकर वास्तव में इनकी तोहिन कर रहे हैं, थी तो वैसे ही, इसमें कोई डाउट नहीं, इनका प्रोफेशन तो यही था, लेकिन वैसे ही नहीं थी ये बहुत बहुत पढ़ी लिखी विदुषी थी, विदुषी पढ़ी लिखी, बहुत विद्वान नहीं, विदुषी स्त्रीलिंग में मजबूरी थी इनकी। देखो आपको समझाता हूँ, इसलिए कई बार आप इनको हल्के में ले लेते हैं, जबकि हल्के में लेने की जरूरत नहीं, आपने पढ़ा है तो। रीतिकाल 1700 से 1900, अब आपको पता है रीतिकाल, राज दरबार में गए, किसमें राज दरबार में कोई अपनी फरियाद पुकार लेकर कोई भी गई, किसी ने कुछ भी कर दिया तो राजा के पास तो जाना था, आज की सरकार वही थी, गए तो वो राजा को लगा कि ठीक है सुंदर है अच्छी है जो भी है, बस वो वहीं रह जाती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी,
समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मजबूरी में इनको क्या करना पड़ता था, वेश्यावर्ती का काम करना पड़ता था, जबकि बहुत ज्यादा क्या थी, पढ़ी लिखी थी। तो यहां घनानंद, सुजान, बोधा, सुबान, आलम, शेख रंगरेजिन, ठाकुर, इनका वास्तविक नाम ठाकुर क्या था, ठाकुरदास। क्या था? ठाकुरदास। ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब यहां बात कर लेते हैं रीति सिद्ध में एकमात्र कवि कौन है। कहीं लोग ये कहते हैं फजनेश भी इसमें आते हैं, फजनेश आएंगे, हटीश आएंगे, नेवाज इसमें आएंगे, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुख्य कर्ता धर्ता कौन है? एक ही ग्रंथ लिखा। मैं तो इतना मानता हूं बिहारी जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं, और संस्कृत में कहा भी गया कुछ लोगों ने हजारों ग्रंथ लिखे। प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी, कितनी? 300, और इन्होंने एक रचना लिखी है, और जिसे संस्कृत में इस प्रकार तुलना कर सकते हैं, वर्म एको गुणी पुत्रो नैचे मृक्ष सता नी एकस चंद्र स्तंभ हंति नैचे सहस्त्र तारा गणा पीछे। गुणवान पुत्र एक ही अच्छा होता है, नैचे मूर्ख सता नहीं पी, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों के अपेक्षा गुणवान पुत्र एक ही अच्छा होता है। और आगे एकस चंद्र स्तंभो हंति नैचे सहस्त्र तारा गणा पीछे, अकेला चंद्रमा पूरे अंधकार को दूर कर सकता है, सैकड़ों करोड़ों लाखों तारे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए देखो आप बिहारी के बारे में बता देना चाहूंगा हल्का फुल्का, ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, आगे भी बढ़ना है। 1595 ग्वालियर में जन्मे, मथुरा में ससुराल था। 1595 से 1662 इनका जीवन काल रहा, 63। 1600 याद करवाता हूं बात, 1663। और ये इनका उद्देश्य था ना, वो लालची था, पैसा कमाना ही सब कुछ था, संतान तो थी नहीं इनके, कोई संतान नहीं थी इनके, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था, अर्थ प्रयोजन, पैसा कमाना ही। इसलिए मिर्जा राजा जयसिंह के जब राज दरबार में आए थे तो उस समय महज इनकी जो बिहारी सतसई जो रचना एकमात्र ग्रंथ है इनका, जिसका नाम क्या है, एक ही ग्रंथ है बिहारी सतसई, जिसमें 713 प्लस 600 रटे, 719 पद और 713 दोहे हैं। ये बिहारी सतसई इन्होंने लिखी थी 1663 में, ध्यान दो 62 माफी, हाँ मैं ये इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूं, 1662 में, एक साल पहले। ये याद करने का तरीका है, 1663 में हेड गोन इन राम जी और 1662 में इन्होंने क्या लिखी है, बिहारी सतसई, एकमात्र इनका ग्रंथ है ये। अब क्यों लिखा इतना लेट, इसके पीछे कारण है कि इन्होंने, इनका मनसा, इनका मकसद सिर्फ क्या था, पैसा कमाना। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा था ना, नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास ये काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। जब ये बात कह दी थी तब उन्होंने कहा था बाहर आकर के, भाई और भी अच्छे अच्छे दोहे बनाओ। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और अगर आप दोहे बनाएंगे तो आपको स्वर्ण मुद्राएं असरपियां मिलती रहेगी। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, असरपियां या स्वर्ण मुद्राएं आपको मिलती रहेगी। गराया कौन? बिहारी। और बिल्कुल पेन वेन मंगा लिए घर बहुत सारे, और ऐसे लगा के लगातार लिखते रहे। जब हाथ पैर काम छोड़ने लगे ना 62 में, कब? 62 में। कब? 62 में। 63 में मरे गए, तो अपने उनको कहा, दत्तक पुत्र कौन थे इनके, कर्षण कवि, कर्षण बिहारी मिश्र, अपने उनको बुलाया कि आओ और इसको प्रकाशित करा लो, नहीं तो मैं चला गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तब जाकर मरने से एक वर्ष पहले 1662 में इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ कि इसका बिहारी सतसई एकमात्र ग्रंथ। अब अगर हम आप उच्च लेवल की बात करते हैं, ये तो छोटी बातें हैं जो आपको पढ़ी भी होगी पढ़ेंगे, लेकिन अब प्रश्न उठता घनानंद और बिहारी, कौन? घनानंद वर्सेज बिहारी, दोनों ही श्रृंगारिक कवि हैं। दोनों ही क्या है? श्रृंगारिक कवि है। अब यहां प्रश्न उठता दोनों के श्रृंगार में, जो श्रृंगारी कवि है, सिद्ध कीजिएगा कि बिहारी से घनानंद अलग थे। तो देखो घनानंद के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये अपने आंसू से रोते थे, किराए के आंसू से, बहुत बहुत गंभीर, बहुत धीर इनका वियोग था, छलकता नहीं था,
जबकि बिहारी का जो वियोग है ना, बिहारी का श्रृंगार, वो श्रृंगार नहीं था, वो अनावश्यक उछल कूद थी। क्या थी? अनावश्यक उछल कूद थी, बहुत भयंकर वाला इन्होंने क्या लिखा है, श्रृंगारिक वर्णन किया है, और अति कर दी इन्होंने। क्या कर दी? अति कर दी। अब आप देखो कहीं भी गणानंद की रचनाओं में ऐसा अतिशयता नहीं है। इधर देखो बिहारी के, बिहारी सत्सई का पहला दोहा, पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परत श्याम हरित दुति होई। ये पहला दोहा है किसका? बिहारी सत्सई का। ठीक है, अब इतना प्रश्न उठता है कि इनके इनके श्रृंगार में, इनके श्रृंगार में क्या अंतर है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें तो उछल कूद थी, दिखावे के लिए करते थे, और आप देखो इनका श्रृंगारिक वर्णन। पता आपको, एक नायिका, तीन उदाहरण दूंगा फटाफट, एक नायिका नायकी वीरे में इतनी तड़पती, इतनी व्याकुल होती है, इतनी व्याकुल होती है कि जब वो सांस खींचती है ना ऐसे, तो 7 फीट पीछे चले जाती है, छोड़ती है तो 6 फीट आगे चली जाती है, इतनी दुबली हो गई है। इसका मतलब एक नायिका के लिए 13 फीट की दूरी चाहिए बिहारी के हिसाब से, फिर तो यहाँ तो 10-5 ही बैठे। ये अनावश्यक क्या है? उछल कूद है, बेवजह का वर्णन है। दूसरा उदाहरण बताता हूँ, एक नायक के विरह में नायिका इतनी तड़पती है कि उसके शरीर से उठने वाली विरह रूपी बफार या ताप के कारण, जब वो तड़पती है ना तो ताप उठता है, उसके कारण आसमान से बरसने वाली बरसात की मोटी मोटी बूंदे भी पुनः वाष बनकर उड़ जाती है। ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए, इसका मतलब आप गुजरे हुए हैं। कितने ज्ञानी, सब पता है इनको ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता, सुनो, अगर ऐसा होता, मैं तर्कों के साथ बात कर रहा हूं, अगर ऐसा होता, ऐसा होता तो भरतपुर, धौलपुर और मथुरा में बारिश ही नहीं होती, अकाल पड़ जाता, क्योंकि गोपियां कहां रहती थी? यहीं रहती थी जहां मैंने बोला। और अगर इनके विरह रूपित बफार के कारण आसमान की बूंदे ऊपर उठ जाती है तो बरसात ही नहीं होती, 16,108 गोपियां रहती, 13 फीट तो एक की जगह चाहिए थी कम से कम, तो वहां बारिश ही नहीं होती। मैं किससे पूछ रहा हूँ? सूरदास जी से पूछ रहा हूँ। अगर आज सूरदास, ये क्या नाम, आप पिछाऊंगा, बिहारी जी जीवित होते ना तो ये प्रश्न मैं इनसे ही करता। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? इन्होंने कहा 13 फीट की दूरी बफार छोड़ती है तो आसमान से बरसात की बूंदे नहीं आती, तो 13 फीट पर तो एकाधिकार था इनका, और बरसात ही नहीं होने देती और नहीं होती। लेकिन आपको पता है, जहाँ मैंने नाम लिया, भरतपुर, धौलपुर, मथुरा के आसपास सबसे ज़्यादा बरसात होती है। नहीं, उल्टी सुलटी मत बोलो, धौलपुर में गोपियाँ कम होगी तो ये कह रहे हैं कि धौलपुर में कम होती तो गोपियाँ कम हो सकती है उधर, मथुरा में, भरतपुर की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रज के आसपास। मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था, ये केवल अतिशयता थी, काल्पनिकता थी। इसलिए कहा कि इनके श्रृंगार में, इनके श्रृंगार में अंतर है, दिखावा नहीं था इनके में, इनके अंदर अंदर ही अंदर से रोते थे, टूट गए थे कौन, और ये तो दिखावे के लिए करते थे। एक और उदाहरण लो, ये सखियां कैसी कैसी बातें करती है। दो सखियां थी परस्पर, अब दो सखियां बातें कर रही कि सखी में उस सखी के बाद तीसरी सखी के पास तो जाना चाहती हूं, क्योंकि वो भी वियोग में क्या हो रही है, व्याकुल हो रही है, तो मैं जाऊं कैसे उसके पास। तो दूसरे एक भाई, क्या हो गया ऐसे, चले जा। बोले नहीं जा सकती। क्यों? अगर वो तड़प रही होगी, भयंकर बफार छोड़ रही होगी, तो मैं तो जल जाऊंगी। तो ये सखियां की देखो इनका मार्गदर्शन कैसा होता है। दूसरी सखी ने कहा घबरा मत, तो दोलड़े कपड़े पहन के जा। उसने कहा ये भी जल गए तो? बोले दोलड़े कपड़े से पहले पानी के पंप से गीला करके जा। हाँ, दोलड़े कपड़े पहन, पानी से गीला करके जा और फिर से ले जा। तो क्या होगा, अगर बफार देगी तो पहले तो सूखेगा, फिर एक लड़ उठेगी, फिर दूसरी लड़ होते होते तो तू आ जाएगी वापस। ऐसे इनका मार्गदर्शन होता है। अब आप देख लो किसका, सखियों का मार्गदर्शन। ये कौन करे, ये जो मैं बोल रहा हूं 1% भी इसमें इधर उधर नहीं है, ये तो कम है, ये तो बहुत कम है। इनकी समार शक्ति, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा थी। रीति सिद्ध, अगर आपसे देखो याद करो, निम्न में से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो इनको याद कर लो, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये तो कौन से, और ये कौन से बच्चे हैं जो सारे कौन से महंगे, रीतिबद्ध। चिंतामणि, त्रिपाठी, आगे चलो देव, आगे चलो पद्माकर,
आगे चलिए, केशवदास आगे चलेगा, सेनापति आगे चलेगा, भूषण आगे चलेगा, जसवंत सिंह आगे चलेगा, और भी जो रह गए। बहुत बड़ा बड़ा कारोबार है इनका, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, भिकारी दास, कुलपति मिश्र, भिकारी दास। भिकारी दास का काव्य निर्णय किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक है। देव, सबसे ज्यादा राजा रजवाड़ों का आश्रय इन्होंने प्राप्त किया है, देव ने। मतलब ये राजा महाराजाओं का शासन था ना, सबसे लंबे समय तक नहीं, सबसे ज्यादा राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया किसने? क्यों? क्योंकि ये अपने 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 स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे, अक्कड़ स्वभाव के थे। किसी राजा ने कह दिया ये काम कर, अगर उसके सीमाओं में नहीं था छोड़कर दूसरे के पास चले जाते थे, अक्कड़ स्वभाव के थे। अपने स्वाभिमान से कभी भी देवदत्त द्विवेदी ने समझौता नहीं किया। 15 ग्रंथ लिखे डॉक्टर नगेंद्र, 52 से 72 ग्रंथ मानते हैं, कितने? 52 से 72 लिख, में से 15 ग्रंथ इनके उपलब्ध होते हैं। 15 ग्रंथ को ट्रिक्स के माध्यम से आपको रटवाया समझाया जाएगा। छल नामक 34वां संचारी भाव का समर्थन भी किसने किया था? अभिदा को सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति भी किसने माना है? देव ने। बहुत बड़े विद्वान हुए। पद्माकर नंबर 2 पे इनके दोस्त थे। देव के बाद सबसे ज्यादा राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया तो किसने? पद्माकर। देखो बिहारी, बिहारी ध्यान दीजिएगा, बिहारी, बिहारी भक्ति, भक्ति श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी है। बिहारी सत्सई ने, सत्सई में भक्ति के दोए भी हैं, मेरी बहु बाधा हरो भक्ति का ही है, श्रृंगार का भी आपको बताया 3 दोए, नीति की नल की अर नर नील की गति एक कर जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए, नीति की बात। 3 बातें इसमें, जबकि पद्माकर में भक्ति की भी बात है, नीति की भी बात है और वीरता, भक्ति नीति और वीरता की त्रिवेणी कौन है? पद्माकर। भक्ति नीति श्रृंगार की त्रिवेणी कौन है? और भक्ति नीति और वीरता की त्रिवेणी कौन है? देव के बाद में सबसे ज्यादा राजा रजवाड़ों का आश्रय यदि किसने प्राप्त किया तो किसने प्राप्त किया है? देव। समझ गए? इसके बाद केशवदास आपको पता होना चाहिए। केशवदास रस राम कवि रतन वीर विज्ञान जान नक छंद 9 रचनाएं ट्रिक्स वाइज केशवदास की। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस संवर भूषण बिनुन विराजती कविता वनिता मीत। किसमें? रस राम कवि प्रिय की रचनाएं। सेनापति प्रिय अलंकार सलेश। एक बात बताओ मुझे, चलो आज आपके थोड़ी सी मैं ज्ञान की परख करना चाह रहा हूं। सेनापति सलेश अलंकार इनका प्रिय अलंकार था, से को जोड़ लो याद हो जाएगा, सलेश अलंकार सेनापति का प्रिय अलंकार था। इनका एकमात्र ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, सेनापति का प्रिय अलंकार तो ये था, एकमात्र ग्रंथ है कवित रत्नाकर। क्या नाम है? ठीक है, पढ़ा होगा आपने, सेनापति रीति काल में तो है, भक्तिकालीन कवि भी है। कौन से? भक्तिकालीन कवि भी है। केशवदास रीति काल में भी है और केशवदास किस में भी जाएंगे? किसके आधार पर? रामचंद्रिका ग्रंथ 1601 में लिखा था किसने? केशवदास। इसमें राम जी का वर्णन है, इसलिए राम किस में चले गए? राम काव्य धारा में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सेनापति ने तो एक ही ग्रंथ लिखा, एक ही ग्रंथ के आधार पर सेनापति आ जाते हैं भक्ति काल में, सेनापति उधर पहुंच जाते हैं किसमें? भक्ति काल में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे भाई ए, चलो अपन कहे केशवदास 9 ग्रंथ लिखे, एक ग्रंथ में राम का वर्णन कर दिया तो राम में चले गए, लेकिन 8 के आधार पर तो रीति में तैर रहे हैं। लेकिन यहां क्या बताओ आप, यहां बताइए आप, एक ही ग्रंथ है कवित रत्नाकर, एक ही तो ग्रंथ है, फिर इसके आधार पर तो ये एक में रहने चाहिए। मैं आपको बताता हूं, कवित रत्नाकर में राम कथा का वर्णन है चतुर्थ और पंचम तरंग में, तो राम जी की कथा की वजह से तो राम काव्यधारा में जा रहे हैं। लेकिन इस ये जो ग्रंथ लिखा गया इसमें रीति का भरपूर प्रयोग किया गया, रीति यानी नियमों का,
इसलिए रीति काव्य धारा के अंतर्गत भी इसका स्थान आता है। चलेगा भूषण, पता आपको रीति काल के राष्ट्र कवि, रीति काल के राष्ट्र कवि, वीर और वीर रस और औज गुण के कवि कौन? भूषण रीति काल के राष्ट्र कवि है। फिर चलेगा जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, ये सब रीति काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में अब मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं, यहां तक ग्रेड फर्स्ट की बात कर रहा हूं, स्कूल लेक्चर तक की, यहां तक का बराबर रहेगा और आधुनिक काल बराबर रहेगा। तीन काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल की बराबर जो प्रश्न आते हैं वो किस में से आते हैं? आधुनिक काल में। हालांकि कॉलेज लेक्चर में बढ़िया व्यवस्था की है, हर पार्ट को 30-30 प्रश्न बनाए गए, 5 पार्ट है 150, वहां अलग है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में ज्यादातर प्रश्न कहां से आते हैं? आधुनिक काल से। चलिएगा अब आ जाएगा, ये आधुनिक काल है, इसकी समय सीमा आप बताइएगा। यहां हम पहुंच गए कहां? विक्रम संवत 1900 से लेकर आज तक का, विक्रम संवत 1900 से लेकर कहां तक? आज तक का समय। ओके, विक्रम संवत 1900 से आज तक का समय तो मैं समझ में आ गया, लेकिन अब तो इसका मतलब ये तो मामला ही बहुत नजदीक पे आ गया। आज तो 2023 चल रही है, 2023 से मत जोड़ो, 2080 चल रही है, तब समझ में आएगा ये, क्योंकि विक्रम संवत 1900 का मतलब 1843 ईस्वी, 1843 क्या हो जाएगी बोलो? ईस्वी, 1843 ईस्वी से लेकर आज चल रही है 2023 ईस्वी तक, यानी कितने साल हो गए? लगभग लगभग 180 साल। क्या मैं सही हूं? लगभग 180 साल हो चुके हैं किसको? आधुनिक काल। अरे भाई 1643 से 23, 180 हो गए ना। हम यूं कह सकते हैं, इसको समझने के हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं कि अब आधुनिक काल समाप्त कर दो, उत्तर आधुनिकवाद ले आओ, क्योंकि अब आधुनिक तो हो ही चुके हम काफी टाइम पहले से, अब तुम आधुनिक से भी आगे चलाओ। लेकिन मैंने कहा कि ये तो मामला बैठता ही नहीं, अभी तो हम भक्ति काल में जी रहे हैं, राइट। इसको हम याद करेंगे, देखो आधुनिक काल को भी दो भागों में बांटेंगे, एक तो पद्य और एक गद्य। पद्य साहित्य और कौन सा है? गद्य साहित्य। आधुनिक काल में ध्यान दीजिएगा, पद्य साहित्य के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सबसे पहले भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग का समय 1843 से लेकर एग्जैक्टली 1900 ईस्वी तक, आज से 123 वर्ष पहले तक, कौन सा था? भारतेंदु युग। यहां बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, भारतेंदु युग हम पढ़ेंगे तो भारतेंदु युग में 17 भारतेंदु मंडल में 17 लेखक थे। कितने लेखक थे? भारतेंदु मंडल में लेखकों की संख्या 17 है। सबसे छोटे भी बाल थे, सबसे बड़े भी बाल थे। याद करने का तरीका, बाल और बाल, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, ये आपके कौन से? बाल मुकुंद गुप्त, ये सबसे कनिष्ठ थे, छोटे थे। और बाल कर्षण भट्ट, ये सबसे क्या है? वरिष्ठ। तो बाल बाल, सबसे छोटे बाल मुकुंद गुप्त, सबसे बड़े बाल कृष्ण भट्ट। 17 लेखकों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, मेरी नजर में अगर हिंदी में सबसे बड़े विद्वान हुए ना, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबसे बड़े आज तक। प्रश्न उठता आपने तो और की तो ही नहीं कर दी जितने भी आए अब तक। हाँ, वास्तव में सही बात है, क्यों? इसके बारे में जानो आप, भारतेंदु एक युग है, इसके पीछे कारण क्या? और ये भी बता देता हूं, भारतेंदु युग के अंतर्गत ये वास्तव में भारतेंदु जी थे, 1880 में, 1880 में इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र रखा गया। पहले ये हरिश्चंद्र थे, पहले ये हरिश्चंद्री थे। भारतेंदु की उपाधि 1880 में, मृत्यु से मात्र 5 वर्ष पहले, जब ये मरे ना उससे 5 वर्ष पहले इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी।
अब आप देखो 1800 बोलो 50 से लेकर, सही बोल रहा हूं मैं, भारतेंदु का जन्म क्या है? 1850 से 1835, अरे तुम 1850, 1850 से 1885 सही है, ये भारतेंदु जी का जीवन काल। देखो केवल 34 साल तक, 35 नहीं, मात्र 34 वर्ष तक जीवित रहे भारतेंदु जी, केवल 34 साल तक। ध्यान दीजिएगा, 34 साल की उम्र में तो लोगों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। 170 ध्यान दो, 170 रचनाएं लिखी है जिनमें से 17 नाटक हैं। 17 के 17 नाटक आपको याद करवाए जाएंगे वीर पकड़ बीएमडी को, वीर पकड़ बीएमडी को, वीर पकड़ बीएमडी को, नो तो ग्रंथि आ गए, ऐसे आपको रटवाए जाएंगे 170 में से 17 नाटक। और ध्यान दीजिएगा, मतलब आप ये समझाओ कि एक नया युग था जिसमें पूरा के पूरे पत्रकार थे। कौन थे? लगभग लगभग सारे कवि कहते पत्रकार थे। खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये खुद की रचनाएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि साहब 170 से ज्यादा तो प्रेमचंद ने कहानियां लिख दी, 300 आपने उनके बारे में तो ये नहीं कहा कि सबसे बढ़िया थे, सबसे होशियार थे, सबसे प्रसिद्ध हुए, क्यों नहीं है? देखो आपको बताता हूं, सब लोग क्या करते हैं, मैं तो ये मानता हूं अगर मैं इस पार्टी में रहूं, ये पार्टी देखो इन्होंने क्या किया, एक देखो यहां धारा चली आ रही थी, क्या थी? एक धारा, और इस धारा में पानी बह रहा था किसका? ब्रज भाषा का। कौन सा पानी है इसमें? ब्रज भाषा का पानी बह रहा था, नंबर एक। यानी जब से हिंदी चली ना, आदि काल से लेकर भक्ति काल से लेकर कहां तक, रीति काल तक, जो पानी चल रहा था वो किसका बह रहा था इसमें? इसलिए मैं बता रहा हूं कि वास्तव में युग पुरुष है ये, वास्तव में क्या है? युग पुरुष है। तो देखो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, कितने साल हो गए भाई? 1900, लगभग 900, 1000 से चालू हुआ, और रीति काल की अंतिम समय सीमा 1900, 900 साल हो गए, यही बात हुई ना। 900 वर्ष तक हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के ऊपर ब्रज भाषा ने क्या किया? राज किया। आप देखो पूरा का पूरा रीति काल की भाषा ब्रज, भक्ति काल की भाषा ब्रज, हालांकि आधुनिक काल आदि काल की नहीं थी, लेकिन भक्ति काल और रीति काल की भाषा तो कंप्लीटली कह रही है ब्रज रही। अगर देखो, अगर ये साब भी, दूसरी बात और जोड़ना चाहता हूं, अगर ये साब भी कौन भारतेंदु भी इसी धारा में चल जाते, इसी में लिखना प्रारंभ कर देते, तो इनका क्या योगदान है? पूरी दुनिया लिखती आ रही है। इन्होंने इस धारा को अपने बूते पर मोड़ने का कोशिश किया, लेकिन पूरी तो नहीं मोड़ पाई, लेकिन फिर भी मोड़ दिया, और आगे चलकर द्विवेदी युग में, कौन से युग में? इसके बाद वाले युग में ये धारा एकदम घूम गई, नदी को रोका इन्होंने, छोटे मोटे आदमी नहीं है, वरना इसी में बह जाते, इसमें डुबकी लगाकर निकल जाते, लेकिन इन्होंने कहा कि ब्रज भाषा में बहुत बातें हो गई, बहुत हो गया, अब खड़ी बोली को स्थान मिलना चाहिए। कौन सी बोली को? और यहां देखो रीति काल तक ब्रज भाषा थी, तो पहली बात तो ये इसलिए हिंदी साहित्य के पिता में, आधुनिक काल के पिता में कितने साल में बन गए? 34 साल में दाजी बन गई। देखो आप इतने जल्दी दाजी कैसे बन सकते, अब बन गए, लेकिन हिंदी साहित्य के पिता में, युग पुरुष है 34 वर्ष में। अब क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया इसमें क्या किया आधुनिक काल में, भारतेंदु युग में इन्होंने क्या किया? गद्य व पद्य दो अलग अलग थे, तो गद्य की भाषा को क्या कर दिया? खड़ी बोली, जबकि पद्य की भाषा क्या चली आ रही है? जो पहले से चली आ रही थी ब्रजी रही, लेकिन गद्य को एकदम इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया। तो गद्य की भाषा को क्या बनाया इन्होंने? बोलिएगा खड़ी बोली। बात समझ में आ रही? तो गद्य की भाषा यहां क्या बन गई है? खड़ी बोली। अब खड़ी बोली इसका मतलब, यहां तक खड़ी बोली का मतलब जानते हो क्या? जानते हैं खड़ी बोली? शुद्ध हिंदी। मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूं ना सुबह से, वो खड़ी बोली है। पत्र पत्रिकाओं की भाषा क्या है? खड़ी बोली है।
रेडियो टीवी समाचार पत्रों की भाषा क्या खड़ी बोली, यानी शुद्ध हिंदी, यानी शुद्ध हिंदी खड़ी बोली है, ये समझिएगा आप। तो इन्होंने क्या किया कि इसको गद्य और पद्य में से, गद्य की भाषा को तो क्या कर दिया खड़ी, और पद्य की जो भाषा थी वो कौन सी चल रही है, ब्रजी चल रही है। जैसे द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई, खड़ी बोल, ब्रज खत्म हो गई। कहां तक आते आते, द्विवेदी युग तक आते आते। दूसरी बात यहां तक केवल और केवल क्या चल रही थी, श्रृंगारिकता की नदी बह रही थी, बस ऐसा आराम चल रहा था। काव्य में नायिका की गर्दन ऐसी है, नायिका की झुलपे ऐसी है, उसकी नाक ऐसी है, हंस क्यों रहे हो, बिहारी का काम ही है ये। गणानंद उसके वियोग में पागल हो रहा, वो उसके वियोग में पागल हो रही है। भक्ति काल में भक्ति की बातें हो रही है, यही बातें हो रही थी ना। इन्होंने क्या किया इससे पहले, इसलिए इनका योगदान है युग पुरुष। यहां आते गाड़ी को रोक दिया इन्होंने, किसको, श्रृंगारिकता, और इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि कवि है तो राष्ट्र की बात करनी होगी, कवि है तो क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीयता की बात करनी पड़ेगी। और अपने सभी लेखकों से आह्वान किया कि आप ये छोड़ो यार श्रृंगारिकता, आप राष्ट्र प्रक कविताएं लिखो। तो ये जो राष्ट्र प्रक कविताएं लिखी गई, ये भी इन्हीं की देन है, किनकी, इसलिए युग पुरुष है, युग प्रवर्तक है। 34 साल की उम्र में इतनी इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, दो ही काम गिने अभी तक, तो बहुत सारे ऐसे काम है जिनके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब आ जाइएगा दूसरा कालखंड कौन सा है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग मैं पद्य में चल रहा हूं, समय 1900 से लेकर 1918 तक। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसमें दो प्रश्न आते हैं, एक तो आएगा आपका क्या, सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका एक नागरी प्रचारिणी सभा, दोनों इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इसकी प्रधान प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता। इसकी प्रधान प्रवृत्ति जानती हो, इतिवृत्तात्मकता कई बार आ चुकी और आपने रट रटा के काम चला लिया। प्रबंध काव्य की प्रधानता, कौन सा काव्य, प्रबंध काव्य, कथानुमा काव्य इसमें चलने लगे, तो प्रबंध काव्य की प्रधानता किसमें रही, बोलो, द्विवेदी युग में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका, नागरी प्रचारिणी, और इसके प्रमुख कवियों का अध्ययन हम करेंगे, सबको डिटेल से याद करेंगे रट रट के ट्रिक्स के माध्यम से। द्विवेदी युग के बाद में कौन सा आया, 1918 से लेकर 1936 तक, कोई बता पाएगा कि छायावाद क्या है, फिर बाद में आगे चर्चा करेंगे। इस क्लास में अगर छायावाद की परिभाषा बताओ, हाथों हाथ संविदा पे नौकरी प्राप्त करो। पड़ोसन पे क्यों प्रभाव डाल रहे, मेरे पे डाल दो, मैं खड़े होके। छायावाद क्या आपसे पूछा जाए तो बताइएगा, सोच रहे हैं या फिर नहीं आता, अच्छा नहीं आता, बार बार मना करेंगे तो एलकेजी का भी ऑप्शन आपके पास खुले, ऐसे तो एलकेजी के बच्चे मना करते हैं बार बार, फिर भी तो कोशिश करो छायावाद क्या। मसलन से याद होगा क्या, छायावाद यहाँ से निकलेगा क्या, छायावाद भाई ऐसे मसलते बालों में से जो वाद निकलता खोरा, उसको छायावाद कहते। बेवजह से इनको परेशान कर रहे छायावाद के लिए, मतलब क्या छायावाद, कोई भी बताइए, हाँ मधुर आवाज आई कहीं से भी, हाँ बताओ, आप बताओ तो सही में, आप कौन बोल रहे हैं, क्या बोले, रहस्यवाद छायावाद है, रहस्यवाद तो रहस्यवाद तो रहस्यवाद ही, वो छायावाद कैसे हो सकता, कोई भी एनीवन अपनी अपनी बात रखिएगा खड़े होके, मुझे अच्छा लगेगा, बताओ बताओ बताओ, कोशिश करो, अरे भाई आना नहीं आना बात की बात, एक बार कोशिश तो कीजिए आप लोग। अगर आपको गवर्नमेंट कहे कि साहब सरकारी नौकरी मिलेगी इस परिभाषा पे, तो छायावाद क्या, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, कोई भी बता दीजिएगा, छाया पढ़ना, ये किसी में छाया आना, ऐसे ऐसे करके छाया करना, तो छायावाद अपने नाम की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि इसमें निहित विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। देखो छायावाद अपने नाम की वजह से नहीं, अपितु इसमें निहित विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। जिस काव्य में प्रेम प्रकृति, ध्यान दो, प्रेम का वर्णन हो,
प्रकृति का वर्णन हो, प्रेम प्रकृति मानव सौंदर्य का सूक्ष्म रहस्य परक अभिव्यंजना परक काव्य की जिस लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में होता है उसे छायावाद कहा जाता है। तो आठ विशेषताएं होगी, कौन कौन सी? प्रेम प्रकृति मानव सौंदर्य सूक्ष्म रहस्य परक अभिव्यंजना परक लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? छायावाद। में सब होंगे तो छायावाद होगा। छायावाद के चार कवि हैं कौन कौन? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। सबकी डेट ऑफ बर्थ याद करनी है परीक्षा के हिसाब से। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1800, सही है, 1937। पंत जी का जन्म 1900 से 1977, निराला का 1897 कहीं जगह चिन्हन में, कहीं जगह 1963, कहीं जगह 61 भी। महादेवी वर्मा 1907 से 1987। इजी है, अभी अभी तो पढ़ाना चालू किया यार, क्यों घबरा रहे हो यार? यहां आप देखो, यहां जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म भी 1907 में हुआ था। किसका जन्म? हरिवंश राय बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर साहब, सही है, दादी ससुर, दादी ससुर जी, दादी ससुर जी, ससुर जी अमिताभ बच्चन नहीं क्या? ओके, अमिताभ बच्चन के फादर साहब थे ये, पहले सुनो। अमिताभ बच्चन के फादर साहब हरिवंश राय बच्चन, उनके पुत्र साहब कौन? अभिषेक बच्चन की पत्नी साहब साहिबा, जोड़ो, कोई बात नहीं, ये परीक्षा में नहीं आएगा, ये तो मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, ऐसे समझना चाहिए, हर चीज़ को जोड़ना चाहिए कि कौन है। ज्ञान की बात बताऊंगा यहाँ से भी, इसलिए जुड़वाए नाम। 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ, राइट। 1907 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ, और 1907 में आई थिंक हजारी प्रसाद एचपी द्विवेदी, उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत चौपना, मैं शोर नहीं ऊपर वाले को लेकर इसलिए हटा दो, छोड़ दो, क्या दिक्कत, बाद में पढ़ा देंगे, कोई जरूरी है क्या? ये 1907 मॉडल है, समझ में आ गए। अब महादेवी वर्मा जिनकी रचनाएं याद करवा देता हूं यहां से लेकर यहां तक, देखो आप, नी र नी सा या दीप सप, कोई भी रचना बाकी नहीं है, ये ट्रिक्स है। नी र नी सा या दीप सप, नी से नीरजा, रश्मि, निहार, सांदे गीत, यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, दीपशिका, सप्तपर्णा, ये सीक्वेंस वाइज है, नीर निशाया दीप सब। साथियों महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को यामा कृति पर 1982 में इस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, किस पर? और यामा में क्या, देखो यामा में क्या, 1, 2, 3, 4 सांदे गीत तक की रचनाओं का संकलन है। देखो इस पर 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा, पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शंकर को दिया गया, दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1966 में शंकर को दिया गया, तीसरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में शंकर को दिया गया, और चौथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में शंकर की जननी को दिया गया। देखो अब आप, शंकर का प्रभाव सर्वत्र व्यापक। हाँ, हंसी मत, ये तरीका याद करने का,
पहला में भी शंकर का नाम है जी शंकर कुरूप, दूसरे में भी शंकर का नाम है, तीसरे में भी शंकर का, और चौथे में शंकर की जननी यानी हिंदी के लिए 1968 में, कौन सी? चिदंबरा रचना के लिए। किसको? सुमित्रानंदन, सही है, पंत को। कब? 1968 में। पांचवा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। ये सब मैं आपको रटवा दूंगा। 11 लाख रुपए नकद मिलते हैं, क्रोकड़े कड़कड़ाते हुए नोट, किस पर? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो यामा पर मिला। अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, रचनाएं भी रटवाऊंगा, लिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन यहां बात यह, 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी को थोड़ा आराम करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि दोनों का मामला कुछ अलग सा था इन दोनों का। यहां बात क्या है, महादेवी वर्मा रहस्यवाद की कवित्री है, पीड़ावाद की कवित्री है, प्रकृति की उपासिका है, आधुनिक युग की मीरा है, विरह वेदना की कवियत्री है, हिंदी महिला कवि सम्मेलनों की जनक है। कौन? महादेवी वर्मा। ये कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कलती मिट आज चली, इतिहास यही, इतिहास यही परिचय इतना, विस्तृत नब का कोई न कोना, कभी ने मेरा अपना होना। ये कौन करिए? महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कलती मिच आट सली, परिचय इतना इतिहास यही, विस्तृत नब का कोई न कोना, कभी ने मेरा अपना। बहुत दुखी थी बेचारी। किनसे? किनसे? और ये भी उनसे परेशान था, ये उनसे परेशान थी, ये उससे परेशान थी। तो कहा ना उन्होंने, क्या हो मैं किसके हित चंचल, हो मैं किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन विकल, ये सोच दिन का पंछी भी, धीरे धीरे चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता। ये उससे नहीं थी, ये उससे नहीं था, और दोनों का जन्म भी कब हुआ है? 1907। विधाता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता किसके नसीब में कहाँ क्या लिखा हुआ है, जबकि जन्म दोनों का 1907 में हुआ है। निराला हो इनको देखकर मुझे बहुत ग्लानि महसूस होती है, बहुत दुखी आत्मा थी। हिंदी में पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने पारिवारिक त्रासदी का सबसे भयंकर दंश झेला है, पारिवारिक त्रासदी का भयंकर दंश झेलने वाले कवि है निराला। कहते हैं ना, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदाई किया शोध, एक एक करके परिवार के 8 लोगों को 1 साल में शमशान तक पहुंचाया इन्होंने। एक मरे, दूसरा मरते, तीसरा पता नहीं कोई घर में क्या लगा हुआ था। ऐसे व्यक्तित्व थे। कौन? निराला। और अंत में जब टूट गए, जब 1935 में सरोज स्मृति इन्होंने लिखी, और उसमें लिखा, जब सरोज की भी क्या हो गई है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, शादी के 2 वर्ष बाद में बेटी भी मर जाती है, टूट गए। कौन? निराला। रचनाएं लिखी है अप गीत मस्त रो याद करके, अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास, अनामिका परिमल गीतिका, और पंत, आइए पंत जी से रूबरू करा देता हूँ। इनको क्या था, सुमित्रानंदन पंत। इनके बचपन का नाम तो गोसाई दत्त था। क्या नाम था? गोसाई दत्त। लेकिन जब अल्मोड़ा उत्तराखंड के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे ये, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो इनके भाई के दोस्त का नाम क्या था? सुमित्रानंदन। क्या नाम था? और इनको ये गोसाई जी को ये नाम अच्छा लगा। किनको? इनका बचपन का नाम गोसाई दत्ता, इनको ये नाम भा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपना नाम सुमित्रानंदन ही रखूँगा,
और आगे चलकर जो गोसाई थे वो क्या बन गए, सुमित्रानंदन पंत बन गए। पंत बराबर प्रकृति के सुकुमार कवि, पंत बराबर प्रकृति के। आप ये समझ लीजिएगा कि हिंदी के अंतर्गत मानवीकरण अलंकार में के जनक यही है, मानवीकरण अलंकार को जन्म देने वाले सुमित्रानंदन पंत ही है और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ये। वंस अपॉन टाइम देर वाज ए सुमित्रानंदन पंत, ही वाज पॉसिंग ऑन जंगल एंड भरी दोपहरी। यानी सुमित्रानंदन पंत जी बरोपर दोपहरी के अंतर्गत कहाँ जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। देखो मैं बताता हूँ कैसे ये कैसे 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 प्रकृति के सुकुमार कवि है। और जितनी भी रचना, एक नदी थी, समझ गए, एक नदी थी, नदी के किनारे एक महल बना हुआ था, उस महल के ऊपर एक झरोका था, उसमें बैठकर ये प्रकृति के से संबंधित कविताएं रचा करते थे। कौन, सुमित्रानंदन पंत। एक नदी थी, नदी में ऊपर महल था किनारे पर, और वहाँ झरोके में बैठकर प्रकृति से, इसलिए कहते हैं कि प्रकृति को अपनी माँ कहकर पुकारते थे, सहचरी कहकर पुकारते थे, माँ के समान थी प्रकृति। और देखिएगा तो वो जो जंगल से गुजर रहे थे, तो गुजरते गुजरते वही पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, उसने वहीं छाया को देखा, किसको देखा, दूसरे पेड़ की छाया थी, तब उसी को देखकर कविता लिख दी कि कहो कहो कौन हो दमयंती सी। क्या बोला, कहो कौन हो दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, जो इस पेड़ के नीचे तो चुपचाप सो रही है, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या अली, हे सकी तुझे भी त्याग गया क्या अली, निष्ठुर नल सा कोई, निष्ठुर नल राजा के समान तुझे भी कोई त्याग कर चला गया, इस विजन विपन में विदुरासी मूर्छासी अलसाई सी कहो कौन पड़ी हो, बताओ तुम कौन हो। ये पंक्तियां हैं जिनके आधार पर आप प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। एकदम छाया को मानो बना दिया कि कहो कौन हो दमयंती सी इस तरु के नीचे सो। पंत जी के बारे में जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही कम है। उपग्रह विपगु लो जी, उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजन, उच्छ्वास ग्रंथि उग्र विपगु, उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव और गुंजन, उग्रविपगु उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव और गुंजन, समझ में आ गई। इसी प्रकार जय शंकर प्रसाद वो कहते हैं ना, समय को भरोसो को ने कद पलटी मार जावे, कहते हैं ना, सुनते ही होंगे आप तो। यहां भी यही था मामला, विदेशों तक कारोबार था इनके फादर साहब का, बहुत फेमस परिवार था बनारस के सुंगनी साहू परिवार में, नाम चलता था उस जमाने में, विदेशों में कारोबार किया करते थे इनके फादर साहब, दादाजी, संयुक्त परिवार था। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि 2 जून की रोटी नहीं मिली लास्ट में, इसलिए समय को भरोसों को न, कोई नीचे से ऊपर जा सकता, कोई ऊपर से धड़ाम नीचे भी आ सकता। जय शंकर प्रसाद अगर नाटक बात करें, पूरे के पूरे इनके उपन्यास मैं 1 सेकंड में याद करवा देता हूँ। सेवा प्रेम ने रंग काया को निग कर्म से, माफी चाहूंगा, गोदान कंकाल तितली इरावती, मैं कंफ्यूज हो गया, कंकाल तितली और इनकी रचनाएं आ जाओ, जर आंसू लहर कामयाब, झरना 1918 में, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। आंसू हिंदी साहित्य का मेघदूत है, जर आंसू लहर हुए कामयाब, झरना आंसू लहर और कामायनी, ये पूरा का पूरा छायावाद इससे बाहर आएगा ही नहीं, एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं आएगा। रचनाएं पूरी की पूरी रट लिया आपने कंप्लीट, जिस छायावाद से आपको एक प्रश्न भी नहीं आता था, बहुत सारे प्रश्न अब आपके तैयार हो गए हैं। चलेगा छायावाद के बाद में हम चलते हैं कौन सा, नंबर 4 वाद है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 तक, कितने साल का बताओ, कितने साल का है, 7 साल का है।
यहां प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक का समय। ओके, 1936 से लेकर 1943, कोई बता सकता है कि प्रगतिवाद क्या है? बताइएगा कोई भी, एनी वन। पड़ोसन पर प्रभाव मत डालिए प्लीज, ये ले बैठे कि पड़ोसने परीक्षा के समय खड़े होकर बताओ ना प्रगतिवाद क्या है, फिर आपका पूर्व ज्ञान तो मुझे लगता है डबल जीरो है। ऐसे तो पा रहे नहीं पड़ेगी, मैं तो सोच रहा हूँ होशियार बच्चे फटाफट ऊपर ऊपर से निकाल देंगे इनको, तो बाईपास तो मैं तो बाईपास के गलियों में से भी निकलने वाले नहीं हूँ, ऐसे कैसे पार पड़ी? प्रगतिवाद, दो चीजें याद रखो बस, कुछ भी नहीं। प्रगति का मतलब आगे बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ कोई आगे पीछे बढ़ना और घटना नहीं है इसका मतलब। कहीं आपको लगे कि प्रगति का मतलब आगे बढ़ना, कहाँ बढ़ के जाओगे आगे? देखो चीज बता देता हूँ, राजनीति किसके, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, जो कॉमरेड है, जो साम्यवाद है, जो साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है, मार्क्सवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद, कॉमरेड, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है बोली, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। आगे आपको बात समझ में, राजनीति के क्षेत्र में। अब प्रश्न उठता है कि मैं मार्क्सवाद के बारे में जानना पड़ेगा, तो यहां दो चीजें आप देखो, समाज के दो वर्ग हैं, शोषक और शोषित, शोषक और शोषित दो वर्ग, शोषक जानते हो और शोषित जानते हो, कौन से शोषित, शोषित में क्या कहेंगे, मजदूर, किसान, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, उच्च वर्ग पूंजीपति वर्ग और पूंजीपति के बाद में अमीर, जो भी है ये शोषक। याद करने का तरीका, शोषित देखो, शोषक शोषण करने वाले और शोषित जो सुस्ते रहते हैं, याद करो शोषित जिनको शोषण करते रहते हैं, शोषक और शोषित। बस आपको प्रगतिवाद समझ में आ गया, समाज के दो वर्ग है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, इन दोनों वर्गों के मध्य जो अंतर है उसको समाप्त करने के लिए जो कविताएं लिखी गई वो कौन सी कविताएं हैं, प्रगतिवादी कविताएं। समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य जो अंतर है उसको समाप्त करने के लिए जो कविताएं काव्य लेखन किया गया वो कौन सा वाद है, प्रगतिवाद। याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब देश आजाद हुआ था ना 1947, 75 वर्ष हो गए लगभग, राइट, जब देश आजाद हुआ था तब यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत कम अंतर था, लेकिन देश आजादी के पश्चात अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर होते गए और गरीब लोग बहुत ज्यादा, यानी जो खाई थी बीच में वो ज्यादा बढ़ गई है, समझ में आ गए। इस खाई को मिटाने के लिए जिन लेखक कवियों ने जो भी रचनाएं की वो सब किस में आती है, प्रगतिवाद में आती है।
प्रगतिवाद की अगर हम बात करें तो देखिएगा, स्वानों को मिलता दूध पानी, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से टिटर जाड़े की रात बिताते हैं, युवतियों के लज्जा वसन बेज जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मतलब देखिएगा देश के अंतर्गत हो क्या रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दो जून की रोटी नहीं मिलती है, जिनको दो जून की रोटी नहीं मिलती है, और उधर कुत्तों को स्वानों को मिलता क्या दूध पानी बादाम और भूखे बालक अकुलाते हैं। ये प्रगतिवादी कवियों का लक्ष्य कि इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। आपको एक और जानकारी बताना चाहूँगा, जहाँ हम बात करते किसानों के लिए तो किसान ये कहते हैं कि खेती उनके लिए क्या होती जा रही है, अभिशाप होती जा रही है, बचने का कोई काम नहीं है। वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसान होने का गौरव प्राप्त किया है। जब खेती किसानों के लिए अभिशाप बनती जा रही है, तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए वो खेती वरदान कैसे हो सकती है। ये प्रगतिवादी कवियों का क्या है, लक्ष्य है। जहां हम बात करते हैं बहुत सारे अंतर जिसकी चर्चा यहां करेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य अंतर को मिटाना प्रगतिवादी कवियों का मुख्य क्या है, थीम है, उद्देश्य है। 7 साल चला, कितने साल तक? प्रश्न उठता है कि प्रगतिवाद को भारत में लाने वाले कौन थे, तो प्रगतिवाद भारत की देन नहीं है। ये सबसे पहले 1935 में कहां, बताओ कहां? पेरिस में। कहां? पेरिस में। 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ का एक सम्मेलन हुआ। किसका? प्रगतिशील लेखक संघ, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। प्रगतिशील लेखक संघ का एक अधिवेशन हुआ, उसमें इस प्रगतिवाद की नींव रखी। 1936 में इसे भारत में लाने वाले मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयासों से इसका आगमन 1935-36 में भारत में हुआ। इसका पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, प्रेमचंद की अध्यक्षता में। 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में इसका अधिवेशन हुआ भारत में। 1936 से 1943 तक का समय प्रगतिवाद का है। इसके बाद में प्रगतिवाद के बाद में कौन सा वाद आएगा? प्रयोगवाद। 1943 से लेकर 1951 तक का समय प्रयोगवाद। 2 प्रश्न यहां से 100% आएंगे, कौन कौन से? इसमें आता है तार सप्तक, नकेनवाद, प्रगति व प्रयोगवाद में अंतर, वाद में अंतर क्या है, और प्रमुख कवि क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सुनो, प्रयोगवाद में से प्रश्न आएगा तार सप्तक का। अब तक 4 तार सप्तक आ चुके हैं। समान विचारधाराएं रखने वाले 7 कवियों का समूह क्या कहलाता है? समान विचारधाराएं रखने वाले 7 कवियों का समूह तार सप्तक कहलाता है। ज्ञान की बात बताता हूं, ठीक है? 7 कवियों का जो समान विचारधारा रखते हैं उनका समूह तार सप्तक है। अब तक 4 सप्तक आ चुके हैं, कितने? तो 28 कवि आते हैं। किसमें? 28 कवि। प्रथम सप्तक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहला 1900, दूसरा 1900, तीसरा 1959, तीसरा 1900, चौथा 1900, तीसरा 1959 और चौथा 1900, सही है? 79। पहले सप्तक के सभी कवि आप याद कर सकते हैं। अग्रा गिने प्रवा, 7 कवि। अग्रा गिने प्रवा, ऐसे, अगे, गैसे, गजानन माधव मुक्ति बोध, गिरजा कुमार माथुर, सारे के सारे, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, ये 7 कवि है। अग्रा गिने प्रभा। द्वितीय तार सप्तक के 7 कवि है, सब धन सहर,
सब धन सह, सब धन शब धन सर, ये सात कवि पूरा ही धन सर में। तीसरे चौथे के भी आपको ये से कैसे याद करवाया जाएगा, सारे के सारे कवियों को आपको याद करना पड़ेगा। नकेन वाद क्या है, नकेन वाद हाँ ठीक है, यहां बात करते हैं नकेनवाद, कोई बता सकता है, या इसका दूसरा नाम है प्रपद्यवाद। द्वितीय सप्तक ध्यान दो, नकेनवाद क्या है, द्वितीय सप्तक, द्वितीय यही चालू गए काम, द्वितीय सप्तक की प्रतिक्रिया स्वरूप 1956 में, द्वितीय सप्तक की प्रतिक्रिया स्वरूप 1956 में बिहार के तीन कवि, बिहार के तीन कवि नैसे नरेश, कैसे केसरी, नैसे नलिन, नैकेन नरेश केसरी और नलिन ने मिलकर अपने नाम के प्रथम वर्णों को मिलाकर नरेश केसरी और नलिन नकेन एक वाद प्रस्तुत किया और उन्होंने ये दावा किया कि असली वाद तो नकेन वाद है, प्रयोगवाद असली वाद नहीं है। तो 1956 में इन तीन कवियों ने मिलकर प्रगति प्रयोगवाद के विरुद्ध जो वाद स्थापित किया उसका नाम क्या है, नकेन वाद या प्रपद्ये वाद। इसके बाद में इसमें क्या अंतर है प्रमुख कवि, इस पर चर्चा अभी करेंगे हम लोग। प्रयोगवाद की समय सीमा आप जान गए 51, इसके बाद बताइएगा नई कविता 1951 से लेकर 1960 तक, इसके बाद में आ जाएगी कौन सी साठोत्तरी कविता 1960 से लेकर आज तक का जो साहित्य है वो साठोत्तरी कविता, यानी 60 के बाद, हालांकि मिल रहा है 70 में आपको पढ़ाऊंगा 2016 तक का साहित्य, लेकिन 60 के बाद बहुत कम मात्रा में साहित्य मिलता है। तो 1960 तक का समय साठोत्तरी कविता का माना जाता है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 1000 से, कितने सालों की यात्रा करवा दी आपको बताओ, 960 साल की यात्रा 3 घंटे में मुश्किल से, ये साठोत्तरी कविता है। हमने क्या पढ़ा था यहाँ, हमने पढ़ा था यहाँ से हमने इसको शुरू किया था यहाँ। देखो ये पद्य साहित्य है, पद्य साहित्य 1960 तक का पढ़ चुके, अब हम चर्चा करेंगे कौन सा गद्य साहित्य, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आधुनिक काल का गद्य। पद्य पाठ में भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता। मैं इतना जानता हूं कि 100 प्रश्नों में से लगभग 30% प्रश्न यहां से आएंगे, कहां से, कौन सा गद्य, आधुनिक काल का जो गद्य उसमें 30% प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसमें क्या होता है, ऐसा गद्य के अंतर्गत आपको पता नाटक है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आलोचना है, आलोचना है, यात्रा वृतांत है, डायरी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, और भी है। इनमें कैसे प्रश्न आएंगे तो ये भी मैं बता देता हूं। नाटक अलग अलग विद्वानों ने जितने भी नाटक लिखे उनको पूछा जा सकता है। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक बताओ, कोशा का, अभी सेठ में आया था इसलिए याद है मुझे, कोशा का पहला राजा दशरथ नंदन का रघु है, पूरे के पूरे नाटक ही है। हम बात कर सकते हैं मुंशी प्रेमचंद के नाटक, तो अभी आपको बताया गया, जयशंकर प्रसाद के नाटक भी आप आराम से याद कर सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक कौन कौन से हैं ये भी आप यहाँ याद करेंगे। तो नाटक, पहला नाटक, दूसरा नाटक, कौन से नाटक में क्या है, ये सब चीजें इसमें आएगी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है,
फलाने व्यक्ति के अनुसार कौन सी कहानी, ग्राम कहानी के लेखक कौन है, रोज कहानी के लेखक कौन है, उपन्यास में आपको पता है कहानी का विकसित रूप उपन्यास कहलाता है, कौन कौन से निबंध है, आलोचना क्या है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखे, डायरी क्या, आत्मकथा क्या, जीवनियाँ क्या, संस्मरण क्या, रेखा चित्र कौन कौन से हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, बोलिएगा गद्य साहित्य में। पद्य में भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद का अध्ययन करेंगे और यहाँ हम लोग बात करेंगे आधुनिककालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। लगभग 30% प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। मुझे उम्मीद है याद आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ये पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, यहाँ यहाँ से होकर हम लोग गुजरेंगे। समझ में आ गए क्या? चलेगा, अब लिखिएगा, अब शुरुआत कीजिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ओके, साइलेंट प्लीज। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले जानना पड़ेगा हिंदी क्या है, फिर इसके बाद साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे इतिहास की। तो पहले हिंदी पे आ जाइएगा, लिखिएगा डायरेक्ट बता देता हूं, लिखिएगा हिंदी शब्द का प्रारंभ में प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रारंभ में प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रारंभ में प्रयोग भाषा के लिए न होकर, हिंदी शब्द का प्रारंभ में प्रयोग भाषा के लिए न होकर, भाषा के लिए न होकर भारतीयों के लिए होता था। हिंदी शब्द का प्रारंभ में प्रयोग भारतीयों के लिए न होकर, माफी चाहूंगा, हाँ, भाषा के लिए न होकर भारतीयों के लिए होता था। अब आप देख लो, हिंदी की बात करें, आज तो आप छुट्टियों में आ रहे हैं, किसके लिए? हिंदी पढ़ने के लिए। तो लेकिन पहले किसी दौर में हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए नहीं होता था, बल्कि किसके लिए होता था? भारतीयों के लिए होता था। और यहां लिख लीजिएगा, उर्दू के मशहूर शायर इकबाल ने लिखा है, उर्दू के मशहूर शायर इकबाल ने लिखा है, उर्दू के मशहूर शायर इकबाल ने लिखा है, क्या लिखा है? हिंदी है हम, मतलब आप इंटरेस्ट लेकर इसको पढ़ेंगे ना, तो ये मैं गारंटी कर रहा हूं 100% याद हो जाएगा। और केवल ये पढ़ेंगे कि कब सर छोड़े, कब मैं जाऊं, कब मैं उबा से लूं, तो पॉसिबल नहीं है। और ये सोचे कि नहीं, मैं आज जितने घंटे पढ़ा रहे हैं 3 घंटे, मुझे सब कुछ याद करना, तो याद होगा ये। क्योंकि देखो, काव्य शास्त्र तो जटिल है, यहां तो केवल कबीर की रचनाएं, कबीर ने क्या कहा, यह तो समझना, प्राइवेट बच्चा भी पढ़ सकता है इनको तो, लेकिन बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है इसको। हिंदी शब्द का प्रारंभ में प्रयोग किसके लिए होता था बताइए? भारतीयों के लिए होता था, भारतीयों के लिए, भाषा के लिए नहीं, राइट? अब देखो कैसे पता चलेगा, उर्दू के एक मशहूर शायर हुए जिनका नाम है इकबाल, शायर इकबाल ने लिखा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसका मतलब हिंदी, इसका मतलब हिंदी है हम, हिंदी का मतलब क्या होगा बोलिए? भारतीय हैं हम, हिंदी का मतलब क्या होगा? भारतीय हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी शब्द का शुरुआती दौर में प्रयोग किसके लिए होता था? भारतीयों के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग धीरे धीरे किसके लिए हो गया? भाषा के लिए। वैसे इस टॉपिक का अध्ययन हम डिटेल से हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में करेंगे, तो यहाँ तो केवल मैं साहित्य को, इतिहास को पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन एक बार जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो याद कीजिएगा, शुरुआत में हिंदी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? भारतीयों के लिए। बाद में धीरे धीरे ये किसके लिए रूढ़ हो गया? देखो, बाद में हिंदी शब्द का प्रयोग धीरे धीरे बाद में हिंदी शब्द का प्रयोग धीरे धीरे भाषा के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो गया। ओके, धीरे धीरे हिंदी, आगे लिखो, हिंदी देश की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हिंदी देश की राजभाषा, जिसे हम अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, हिंदी देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा वह बहुक्षेत्रीय भाषा है। हिंदी देश की राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है और बहुक्षेत्रीय भाषा है। मैं केवल अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ, साहित्य की बात नहीं कर रहा। देखो अब आप कैसे, हिंदी देश की राजभाषा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसके बारे में भारतीय संविधान, भारत का संविधान बहुत बड़ा, लंबा, चौड़ा, व्यापक और विस्तृत है। भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 6 और भाग 17 में, भाग 5 के अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 210 या अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये राजभाषा के बारे में। भारतीय संविधान में 22 भाग है ना, 22 भागों में से भाग बोलो 5 भाग, अनुच्छेद भाग 6 अनुच्छेद 200, भाग 17 के अनुच्छेद 343 से, और हिंदी देश की राजभाषा होगी ये कहां लिखा गया? 343 में। समझ में आ गए? तो हिंदी देश की क्या है? राजभाषा भी है, मैंने आपको बता दिया है। हिंदी देश की क्या है? राष्ट्रभाषा भी है। वाई क्यों राष्ट्रभाषा है? क्योंकि राष्ट्रभाषा के बारे में ऐसा लिखा गया, ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, कौन सी, जो देश के व्यापक, विस्तृत, लंबे, चौड़े भाग पर बोली जाती है। और देखो, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा इसलिए है क्योंकि हिंदी देश के 42% वो भाग की भाषा है। आप देखो, भारत देश के 42% क्षेत्र के लोग किस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान या अभिव्यक्ति करते हैं? तो वह आपकी हिंदी। और ये भी आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ ये भी बताया जाना जरूरी है कि हिंदी देश के 10 राज्यों की राजभाषा भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, या राष्ट्रभाषा भी 10 राज्यों की हम कह सकते हैं, और 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। 10 राज्यों की राजभाषा लिख लीजिएगा, या राष्ट्रभाषा, ये 10 राज्यों की राष्ट्रभाषा या राजभाषा भी है। ये 10 राज्यों की राजभाषा या राष्ट्रभाषा भी है, जो 10 राज्य हैं उनकी राजभाषा या हम कह सकते हैं राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी देश के 10 राज्यों की राष्ट्रभाषा या राजभाषा भी है। अब प्रश्न उठता है कि 10 राज्य कौन कौन से होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। इसलिए देखो, ये बहुक्षेत्रीय भाषा है, कौन सी है? बहुक्षेत्रीय, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र की ये क्या है? भाषा है। अब आप देखो, 10 राज्य कौन कौन से हैं? छ ओ जा बे मैं ओ
दी रा है ई, ये 10 राज्य हैं। इन 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। छ उ जा उतारो, बी मैं उ दी रा है ई, जैसे मैंने लिखा आप कोशिश करो ऊपर से नीचे लिख लो 10 की 10 लाइन। छ उ जा बी मैं ऊ दी रा है ई, ऊपर से नीचे लिख लो जैसे भी आपको लगे। छ उ जा, छ से बनेगा क्या बोलिएगा? छत्तीसगढ़। उ से बनेगा उत्तराखंड। जा से बनेगा झारखंड। बी से बनेगा बिहार। मैं से बनेगा मध्य प्रदेश। ऊ से बनेगा उत्तर प्रदेश। दी से दिल्ली। दी से दिल्ली। रा से राजस्थान। है से हरियाणा। ई से हिमाचल प्रदेश। इसे हिमाचल प्रदेश हो गए पूरे। छ उ जा बी मैं उ दी रा है ई, यानी हिंदी 10 राज्यों की राजभाषा भी है, 10 राज्यों की क्या है राष्ट्रभाषा भी है। ठीक है, अब यहां बात करना चाहेंगे कि साहब हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें हिंदी शब्द के बारे में तो आप जान चुके हैं, लिखिएगा नीचे, यदि उतार लिया तो आगे बढ़िएगा। सभी ने उतार लिया? छ उ जा बी मैं हू दी रा है ई, लिखिएगा आगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व अन्य विद्वानों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जी हाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व अन्य विद्वानों के अनुसार, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व अन्य विद्वानों के अनुसार, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व अन्य विद्वानों के अनुसार हिंदी भाषा का उद्भव व विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। 10वीं शताब्दी से माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा व अन्य विद्वानों के अनुसार इसका उद्भव और विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। 10वीं शताब्दी से माना जाता है। आगे बात समझ में? ये तो बात किसकी रही? हिंदी से संबंधित बातें आपको बताई जा चुकी है। एक बात इसमें और लिख लो आगे, 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक, 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक, ब्रैकेट में 21वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक, ब्रैकेट में 21वीं शताब्दी तक हिंदी के अंतर्गत 10वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक हिंदी के अंतर्गत जितने भी लेखक कवि वाद, जितने भी लेखक कवि वाद वाद व अन्य दृष्टिकोण अन्य दृष्टिकोणों का अध्ययन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, अन्य दृष्टिकोणों का अध्ययन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 1000
यानी 10वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी में कौन कौन से लेखक कवि हुए उनका अध्ययन किस में किया जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी के बाद दूसरा शब्द था इसमें क्या, साहित्य। तो यहां एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो साहित्य भी होता है और काव्य भी होता है। साहित्य, बस आपको साहित्य लिखना है, क्या साहित्य और काव्य एक ही बात है? तो यहां दो अलग अलग विचार है। संस्कृत के जितने भी विचारक हुए उनकी नजर में साहित्य और काव्य में कोई भी भेद नहीं है, जबकि हिंदी विचारकों के अनुसार काव्य और साहित्य में क्या है, अंतर है। बात बताता हूं, क्योंकि कई बार अपन लोग काव्य को भी एक ही मान लेते हैं, साहित्य को भी एक ही मान लेते हैं। तो यहां आप लिखिएगा, संस्कृत विचारकों ने साहित्य व काव्य में कोई भी अंतर नहीं माना। कोई भी अंतर नहीं माना, उनकी दृष्टि में दोनों एक ही है। उनकी दृष्टि में दोनों एक ही है। संस्कृत विचारकों ने दोनों को एक ही माना। किस किस को बोलो? साहित्य और काव्य को एक ही माना। हिंदी विचारकों ने इसे अलग मानते हुए समझाने का प्रयास किया। अब किसने किया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किस प्रकार काव्य को और साहित्य को अलग अलग माना है, अलग अलग समझाने का प्रयास किया है, तो ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, पता होना चाहिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास कौन थे, तो देवनागरी लिपि में इन्होंने क्या किया था, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पंचम वर्ण के स्थान पर, श्याम सुंदर दास ब्रैकेट में लिखिएगा, पंचम वर्ण कौन कौन से हिंदी में, पांच वर्ण है, ङ ञ ण न म, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग पर, पंचम वर्ण पांच है, ग य ण न म, इनके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग पर बल दिया। श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग पर बल दिया। देखो ये पंचम वर्ण गए, ये इनके स्थान पर क्या होना चाहिए, अनुस्वार। बताता हूँ, जैसे शंकर, ये शुद्ध नहीं है, इसके स्थान पर क्या लगा दो, गय के स्थान पर अनुस्वार, शंकर ये शुद्ध है, समझ में आ गए? तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार पर बल देने वाले कौन थे, श्याम सुंदर दास। अब इन्होंने काव्य में और साहित्य में क्या अंतर किया, तो लिखिएगा, इनके अनुसार भिन्न काव्य कृतियों का समष्टि संग्रह
भिन्न भिन्न काव्य कृतियों का समष्टि संग्रह ही साहित्य है। ठीक है, समष्टि संग्रह ही क्या है? साहित्य। अब इस आधार पर अपन एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, भिन्न भिन्न काव्य कृतियों का समष्टि संग्रह क्या है? साहित्य। तो इसका मतलब साहित्य का आकार क्या हो गया? बड़ा, विस्तृत। और काव्य किसके अंतर्गत आता है? साहित्य में। भारतीय विचारकों ने काव्य और साहित्य में अंतर कर दिया। देखो इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि काव्य साहित्य के अंतर्गत ही आता है। काव्य साहित्य के अंतर्गत ही आता है। काव्य साहित्य के अंतर्गत ही आता है। काव्य का क्षेत्र संकीर्ण है। काव्य का क्षेत्र संकीर्ण है। आपका ध्यान केवल लिखने पर भी नहीं, समझने पर भी होना चाहिए। काव्य का क्षेत्र संकीर्ण है जबकि साहित्य का क्षेत्र विस्तृत है। जबकि साहित्य का क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। जबकि साहित्य का क्षेत्र विस्तृत है। आगे बात समझ में। तो काव्य और साहित्य दोनों क्या है? अलग अलग है। ऐसा कौन मानते हैं? भारतीय विचारक। जबकि संस्कृत विचारकों ने कहा कि मामला एक ही है। अब आप क्या सोचते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, कोई अंतर नहीं है। लगभग लगभग मामला एक ही है। पद्य कह लीजिएगा, साहित्य कह लीजिएगा या काव्य कह लीजिएगा, सब बात एक सी ही है। लेकिन हिंदी विद्वानों ने, स्पेशल श्याम सुंदर दास, जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान क्या है देवनागरी लिपि में, जितने भी पंचम वर्ण है उनके स्थान पर क्या होना चाहिए? अनुस्वर। ये चीजें मैं जो लिखाता हूँ ये बोनस की है, जबकि इनका मतलब तो यहीं से था, जो नीचे वाली परिभाषा लिखा है ना उससे ही था। अब यहां बात करते हैं कि साहित्य ओब्लिक काव्य, साहित्य ओब्लिक काव्य क्या है? साहित्य ओब्लिक काव्य क्या है? हाँ, लाल पेन का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। साहित्य ओब्लिक काव्य क्या है? मैं अगली बार बोलूंगा हरा पेन, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। साहित्य ओब्लिक काव्य क्या है? तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार मैं परिभाषा बता देता हूं। यहां सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैथ्यू आर्नल्ड जो पाश्चात्य विचारक हैं, इन्होंने कहा कि पोइट्री इज द बॉटम इन क्रिटिसिज्म इन लाइफ। ये मैथ्यू आर्नल्ड की परिभाषा है। मैथ्यू आर्नल्ड ने साहित्य या काव्य की परिभाषा क्या दी? मैं आपको 7-8 परिभाषाएं लिखाऊंगा, पूरी की पूरी इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में आती है। मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा कि पोइट्री इज द बॉटम इन क्रिटिसिज्म इन लाइफ, अर्थात कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। लिखिएगा, कविता, अंग्रेज में लिखा हूं हिंदी में, हाँ वो तो मुझे भी पता था। कविता मैंने भी 2-4 ही रटर की है, तो सभी बराबर जैसे हैं अपन ये तो। लेकिन आपको लग रहा कि अंग्रेजी 1-2 रट ली, तो इसका मतलब थोड़ा है कि कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कभी भी नहीं भूलोगे इस परिभाषा को। मैथ्यू आर्नल्ड पाश्चात्य विचार करें कि पोएट्री इज द बॉटम इन क्रिटिसिज्म लाइक, कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना। याद कीजिएगा, देखो साहित्य, कविता या काव्य वही हो गया ना, बस। तो फिर साहित्य लिखने की जरूरत ही नहीं। कविता भी तो काव्य ही है, पद्य भी है, वही बात है, अलग से साहित्य थोड़ा लिखाएंगे। कविता इसको लिख लो साहित्य, इसको लिख लो काव्य, इसको लिख लो पद्य, मूल रूप में जीवन की क्या है? आलोचना। ठीक है, यहां देखो मैथ्यू से, मैं याद करवाता हूं परिभाषा, इंपोर्टेंट शब्द को चयन कर लो। मैथ्यू मूल रूप में जीवन की आलोचना, कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद में दूसरी परिभाषा, ये इससे संबंधित है प्रेमचंद की परिभाषा, मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा।
प्रेमचंद क्या करें, बस थोड़ा सा अंतर है। मैं याद करवाता हूं, प्रेम की आलोचना, प्रेम की आलोचना, तो इसमें आलोचना आएगी। और देखो इससे इससे मिलती जुलती है, देखिएगा, कविता जिसे हम साहित्य कह सकते हैं, कविता जीवन की आलोचना है, कविता जीवन की आलोचना है। कविता की जगह आप साहित्य लिख लीजिएगा, साहित्य के स्थान पर आप काव्य लिख लीजिएगा, काव्य के स्थान पर पद्य, सब बात एक ही, माया एक ही है। कविता लिख लो जीवन की आलोचना है, उधर क्या करा कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना, बस अंतर इतना सा है। कविता जीवन की आलोचना है और कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। तो मैथ्यू से क्या याद करेंगे बोलो, मूल रूप, और प्रेम से क्या याद करेंगे बताओ, प्रेम से क्या करेंगे आलोचना। चलिएगा नंबर तीन, ये भी याद हो जाएगी आपको, जय शंकर प्रसाद, ये कॉलेज लेक्चर में पूछी गई परिभाषा है, जय शंकर प्रसाद, साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, साहित्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विचार विश्लेषण व जिसका संबंध विचार विश्लेषण और वितर्क से नहीं है। लो जी, साहित्य जीवन की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विचार विश्लेषण और वितर्क से नहीं है। याद करने का तरीका कभी भी नहीं भूलेंगे, हम साहित्य पढ़ने जा रहे हैं, कविता पढ़ने जा रहे हैं, तो साहित्य होता क्या है, साहित्य आत्मा की, किसकी आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विचार विश्लेषण और वितर्क से नहीं है। याद कीजिएगा, शंकर का संकल्प है कि हर व्याख्याता शंकर सर का हो, तो शंकर की परिभाषा में क्या याद करना है, संकल्प, जय शंकर प्रसाद की परिभाषा में संकल्पनात्मक अनुभूति, प्रेमचंद की परिभाषा में आलोचना, मैथ्यू अर्नल्ड की परिभाषा में मूल रूप से, ठीक है, जय शंकर प्रसाद की परिभाषा में क्या करेंगे, शंकर का संकल्प। चलिएगा सुमित्रा नंदन पंत क्या कह रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कह रहे हैं किसके बारे में, साहित्य के बारे में, साहित्य हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति है, साहित्य हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति है, पोइट्री इज द कंप्लीट मोमेंट इन योर लाइफ, कविता हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की अभिव्यक्ति है, कविता या साहित्य हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की क्या है, अभिव्यक्ति है। याद कर लीजिएगा, पंत, देखो पंत प्रकृति के परिपूर्ण कवि हैं, तो इसमें लिख लो परिपूर्ण, पंत की परिभाषा में अंडरलाइन कीजिएगा परिपूर्ण, पंत बराबर परिपूर्ण, पंत की परिभाषा में क्या आएगा परिपूर्ण। वापिस बोल देता हूं, मैथ्यू आर्नल्ड, मैथ्यू बराबर मूल, प्रेमचंद की आलोचना, शंकर का संकल्प और पंत क्या है परिपूर्ण, पंत परिपूर्ण, प्रकृति के परिपूर्ण कवि कौन हुए, पंत। चलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, H.P. द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य, लिखिएगा इनकी परिभाषा, साहित्य संपूर्ण विश्व ब्रैकेट में निखिल, विश्व को क्या कहा इन्होंने, निखिल,
साहित्य संपूर्ण विश्व ब्रैकेट में निखिल के विचारों का परस्पर साधना लेखन है। विचारों का परस्पर साधना लेखन है। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से क्या याद करेंगे? निखिल, निखिल विश्व। ये कौन करें? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बालकृष्ण भट्ट, बता देता हूं, भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ सदस्य, यही है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ये क्या कह रहे हैं? और इनकी परिभाषा कई बार परीक्षा में आ चुकी है। इन्होंने कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का क्या है? बोलो, विकास है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का, विकास है। कई बार परीक्षा में आ चुकी, यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चर वगैरह में। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और बात भी सही है, क्योंकि हमारे जन समूह के आधार पर उसको ध्यान में रखकर कवि जिसकी रचना करता है उसे साहित्य कहा जाता है। तो जन समूह कैसा सोचता है उसके हृदय का क्या है? ये विकास है। क्या? साहित्य। तो बालकृष्ण भट्ट, की परिभाषा में क्या जाएगा? जन समूह के हृदय का विकास। जन समूह, देखो श्री कृष्ण जन समूह में रहते हैं, तो बाल कृष्ण से जोड़ो, जन समूह के हृदय का क्या है? विकास है। वापिस आ जाएगा, मैथ्यू आर्नाल्ड में मूल रूप से जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद ने क्या कहा? प्रेम की आलोचना है। इसके बाद में हमने बात की है नंबर तीन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निखिल विश्व की बात की है। जयशंकर प्रसाद ने संकल्पनात्मक अनुभूति की बात की है। बालकृष्ण भट्ट में जन समूह के हृदय का विकास। बार बार इनको रिपीट करेंगे, ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और एक और परिभाषा मैं यहाँ देना चाहूँगा, रामचंद्र शुक्ल जी की बात तो जानना जरूरी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, बता सकते हैं? हाँ, चित्त वृत्तियों का। तो लिखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य, वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का, वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। आप देखो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता सोचती है ना, उसका प्रतिबिंब है। आगे लिखो, जब यह निश्चय, जब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्तियों के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन, आता है, अभी पूरा नहीं हुई परिभाषा, आप इतना ही पढ़ते हैं क्या? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। बात तो सही है। अरे साहित्य क्या? वहां की जनता जो सोचती है उसी को कवि द्वारा लिखना है, क्या है साहित्य? और वास्तव में देखा जाए तो सही भी है। अरस्तु ने तो कह दिया कि काव्य त्याज्य,
साहित्य झूठा होता है, कितना परसेंट? 75%, 25% ही सत्य होता है। जब अनुकरण सिद्धांत की बात करते तब उन्होंने कह दिया ये तो 75% झूठा है क्या साहित्य, लेकिन फिर भी 25% सत्य भी है, तो वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का क्या है, संचित प्रतिबिंब है। और यहाँ ये बताया तब ये निश्चित है क्या कि जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती है, तो साहित्य भी लगातार क्या हो जाता है, बदलता जाता है। ये लिखा है ना, आगे लिखो इसी में, आदि से लेकर अंत तक, आदि यानी शुरुआत से लेकर, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक इन्हीं परिस्थितियों, आदि से लेकर अंत तक इन्हीं परिस्थितियों या परंपराओं का सामंजस्य, इन्हीं परिस्थितियों या परंपराओं का सामंजस्य, इन्हीं परिस्थितियों या परंपराओं का सामंजस्य करना ही साहित्य है। परंपराओं का सामंजस्य करना ही अपने आप में क्या साहित्य है, ठीक है, इन्हीं परंपराओं का सामंजस्य करना साहित्य है। आ जाइएगा, मैं एक तरफ से बात कर रहा हूं, देखो ऐसे याद करेंगे, किसी भी परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड में मूल, प्रेमचंद क्या करें आलोचना, थोड़ा सा अंतर है दोनों की परिभाषा में, आलोचना। जय शंकर प्रसाद, संकल्पनात्मक अनुभूति, शंकर का क्या है संकल्प है। इसी प्रकार हम बात करेंगे किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हर जगह अखिल विश्व में, अखिल विश्व में। इसी प्रकार पंत क्या है, परिपूर्ण, परिपूर्ण, पंत बराबर परिपूर्ण। इसी प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं आगे किसका नाम आएगा, शुक्ल जी, किसका, शुक्ल जी ने क्या कहा, शुक्ल जी ने संचित प्रतिबिंब, जनता की चित्तवृत्तियां क्या याद करेंगे इसमें, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। और कौन रह गए, बालकृष्ण भट्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है, जन समूह के हृदय का विकास, जन समूह के हृदय का विकास, ये लीजिएगा, सारी की सारी परिभाषाएं आपको यहां याद हो गई है। आगे बढ़े, इसी में लिखो, ऐसे आप घर जाके साथ के साथ इनको बनाएंगे। अब साहित्य हम पढ़ रहे हैं तो लिखिएगा साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य। नेक्स्ट, ये परिभाषाएं मैंने बता दी है, साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य, हाँ, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, मैथिली शरण गुप्त, साहित्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, यह भी नेट में कई बार आई हुई पंक्ति है, मैथिली शरण, इसको भी याद करेंगे, इसमें मनोरंजन आएगा, अभी नहीं लास्ट में। हाँ, मैथिली शरण गुप्त की परिभाषा में मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, लिखो मनोरंजन न कवि का क्रम होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए अपितु उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, अपितु उसमें उचित उपदेश का, उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, मर्म होना चाहिए, मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए अपितु उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए अपितु उसमें उचित उपदेश का क्या होना चाहिए, मर्म होना चाहिए। इसका मतलब साहित्य का उद्देश्य क्या है बताइए, साहित्य का उपदेश देना, साहित्य का उद्देश्य क्या बोलो, उपदेश देना। साहित्य इसलिए नहीं लिख सकते कि मनोरंजन करवाए, बल्कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उपदेश देना होना चाहिए। इसी प्रकार देखिएगा प्रेमचंद के अनुसार, प्रेमचंद ने, और ये बात कब लिखी थी, 1936 में, प्रगति, प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन में, 1936 में प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन,
प्रकृतिवाद के प्रथम अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। 1936 के प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हुए 1936 में लिखा था, ठीक है, वापिस बोलता हूं, 1936 में प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन जिसके जो कहाँ हुआ था, लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता करते हुए इन्होंने लिखा है, कहा है, क्या लिखा है, साहित्य का उद्देश्य महफिल जमाना नहीं, साहित्य का उद्देश्य महफिल जमाना नहीं, मनोरंजन करना नहीं, साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं, मनोरंजन करना नहीं, अपितु इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। मतलब जो साहित्य राष्ट्रभक्ति के लिए लिखा जाए वही साहित्य है, अपितु इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही किसने, प्रेमचंद ने, 1936 में प्रगतिवाद की प्रथम अधिवेशन की लखनऊ में अध्यक्षता करते हुए इन्होंने लिखा है क्या कि साहित्य का उद्देश्य महफिल सजाना नहीं है, मनोरंजन कराना नहीं है, बल्कि अपितु इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति। अगर जो राष्ट्र को ध्यान में रखकर साहित्य लिखा जाता है वही उसका मुख्य क्या है, उद्देश्य। आगे लिखिएगा, नागार्जुन जिनकी बहुत फेमस पंक्तियां मैं आपको याद करवा देता हूं, लिखिएगा, नागार्जुन इन्होंने साहित्य को संवेदनहीन बताते हुए, साहित्य को क्या बताया, संवेदनहीन यानी संवेदना से हीन, इन्होंने साहित्य को संवेदनहीन बतलाते हुए साहित्य को संवेदनहीन, समझ रहे हैं, संवेदनहीन का मतलब संवेदना से क्या हीन बतलाते हुए लिखा है, क्या लिखा है, रोता जाता हूँ लिखता जाता हूँ अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। रोता हूँ लिखता जाता हूँ अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। साहित्य क्या है, संवेदनहीन है। याद करो, सुनाओ किसी भी महफिल में जाकर, तब लगेगा कि हिंदी पढ़ के आई है, साहित्य पढ़ती है, वरना वही घिटी पिटी बातें सुनाते रहते हो, बास आने लग जाती कुछ टाइम बाद उन्हें। नहीं नहीं लोग, रोता जाता हूँ लिखता जाता हूँ अपने कवि को बेकाबू पाता हूँ। साहित्य इनकी दृष्टि में संवेदन क्या है, हीन है। तो साहित्य का उद्देश्य देखो, मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। मनोरंजन मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद में देखिएगा, प्रेमचंद ने क्या कहा कि महफिल सजाना नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का निर्माण करना है, और इन्होंने अपने कवि को बेकाबू मानते हुए साहित्य को क्या कह दिया, संवेदना से हीन। आज हमने पढ़ा हिंदी क्या है, साहित्य क्या है, और अब आप शुरुआत करेंगे इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।